वेलकम बैक टू नाजायज होटल। और जैसा कि तुम सबको याद होगा, इससे पिछले एपिसोड में मैंने अपने दादाजी के पुराने मोटेल को रिपेयर करना शुरू किया था और उसके अंदर मैंने एक कमरा एकदम प्रॉपर रहने लायक रेडी कर दिया था। तो भाई आज देखेंगे कोई कस्टमर आता है कि नहीं। बाकी अपने दादाजी के एरिया में दो चीजें और हैं, एक गैस स्टेशन और एक स्टोर, तो भाई उन दोनों के लिए भी सामान मंगवाने, बाकी फ्यूल वगैरह कहां से आएगा देखते हैं आज के दिन। लेट्स गो। ओके, तो अभी अपन अपने दादाजी की जमीन पे आ चुके हैं। भाई दादाजी की जमीन है और ये पूरा मोटेल नहीं होता, शायद मोटेल में आता है कि ये चीज भी मोटेल में नहीं आती है। शायद मोटेल सिर्फ ये अपना स्टोर है, वो अपना गैस स्टेशन है। बाकी ये मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, ओपन द मोटेल, मैंने यार ओपन कर रखा था कल, मैंने गैस स्टेशन और वो दोनों, ओए ये बंद कैसे भाई, ये दोनों चीज ओपन कर दी थी। बट अब पता नहीं भाई, लोग बाग आ नहीं रहे। फ्यूल तो है थोड़ा बहुत, बाकी और फ्यूल कहां से ऑर्डर कर सकते हैं। ओ गाइस, ये रहा फ्यूल का, और यहां से मैं ऑर्डर कर सकता हूँ फ्यूल। ओ ये तो नाइस हो गया, मतलब इसके अंदर ₹1 का एक लीटर दिखा रहा है। अरे ₹0 का मिल रहा है एक लीटर, अरे नहीं ₹1 $1 का है। ओके, तो अगर मैं देखो 6 लीटर लूंगा 6.33, तो 6.33 का मिलेगा। इस टाइम मेरे पास पैसे थोड़े कम है, आने दो लोगों को। और कोई तो आया है, एक सेकंड। ओके, कोई तो मैडम आ चुकी है। हेलो, अंदर ही बैठी रहोगी क्या? अरे आगे लेनी है। क्या हो गया? चलो चलो अपने काउंटर पे चलो, भागो जोर से भागो। मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा, मैं यहीं खड़ा रहूंगा, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, मैनेजर गाइज, मैनेजर सब कुछ मैं ही मैनेज करता हूँ। कोई हेलो, हेलो मैम है, आ गई, इनसे बात कर सकते हैं। आई नीड अ रूम, 1 बेडरूम चाहिए। अरे यार 1 बेडरूम चाहिए 24 आवर्स के लिए, ठीक है आप ले सकते हो, टेक दिस रूम, नो की ऑन द टेबल। की कहाँ से लाऊं? की कहाँ है भाई? यू टू रिटर्न ऑल द रूम कीज। ओके, ओ नीचे आ गई है, नीचे आ गई, लेट्स गो, इसको उठाओ। ये पहला रूम ही था ना अपना, पहला रूम ही तो रेडी करा है, नंबर 1 रूम है, ठीक है प्रॉपर रेडी है। मैं देख लेता हूँ और इसको, भाई क्या चमक रहा है कमरा, देख रहे हो तुम कल के दिन मैंने क्या चमकाया है कमरा, ऐसी थोड़ी है भाई। चलो इस की को मेरे को यहाँ रखने का है, की पे। और अभी बात करते हैं मैम, टेक दिस रूम, और इसके अंदर मेरे को रुपए दे रही है ये 161। ओके, अबे सब चीजें लगाने के हिसाब से रुपए दे रही है, अगर मैं और चीजें अपग्रेडेड लगाता ना तो और ज्यादा रुपए मिलते। देखो कर्टेन्स का, एक एक कर्टेन का $5 देके जा रही है ये, क्या बात है। लेकिन टोटल 161 ही दे रही है, ज्यादा दिन के लिए नहीं ले रही है, एक दिन के लिए ले रही है, कल के दिन। ओके, सारा पैसा मेरे पास अभी आ गया है। 150 रुपीज रिवॉर्ड के मिले, ओ भाई 600 रुपीज हो गए, लेट्स गो। एक सेकंड, ये क्या बोल रहा है? डिलीवरी द फ्यूल। ओके, फ्यूल मंगाने को बोल रहा है, फ्यूल मैंने देख लिया है। कितना मंगाऊं भाई फ्यूल? 340 का नहीं मंगा रहा मैं, अभी रुक जाओ, मैं इससे ₹200 का फ्यूल मंगा लेता हूँ। 200 में तो यार 200 लीटर ही आएगा, 200 लीटर आ जाएगा। यहाँ पे ₹100 का एक लीटर पूरा नहीं आता। चलो मैंने ₹200 का ऑर्डर कर लिया है, क्या मेरा फ्यूल आ गया है? फ्यूल कैसे आएगा भाई? अच्छा उसमें देख सकते हैं ना अपन, रुक जाओ कंप्यूटर में देखने। तो मेरे को फ्यूल अभी यार यहाँ पे तो 60 लीटर ही दिखा रहा है। कैपेसिटी इस टाइम 400 लीटर की अपनी, देख रहे हो तुम, 400 लीटर में फ्यूल मंगा सकता हूँ। बाकी अभी शॉप मैंने प्रॉपर साफ तो कर दी थी, कहाँ से आएगा? फोन लगा के जा रहा है, वापस से मेरी जमीन हो गई है, मैं दादाजी की जमीन पे आ गया हूँ, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। और कोई भी आया, और कोई भी आया, एक सेकंड। ओ गाइस फ्यूल आ चुका है, और अपने यहाँ पे, ओके अपने यहाँ पे बंदा पेट्रोल भराने भी आ गया है, ये रहा। ओके चालू कर देता हूँ इसको मैं अभी। कितना है इसके अंदर? रिजर्व में 57 पड़ा है, 56 पड़ा है। अबे रिजर्व भर कैसे रहा है ये? मेरा पेट्रोल कम हो रहा है कि भर रहा है, ये चक्कर क्या है भाई? दिस सेल, अच्छा मेरे को ₹10 मिल चुके हैं अभी तक ऑर्डर। ओके ये लिखा ना, वो ऑर्डर करा हुआ, ऑर्डर इसने करा है 34 लीटर, और डिलीवरी करनी है मेरे को, अच्छा डिलीवरी इतनी हुई है, और प्राइस है पर लीटर 1.30। अपन पर लीटर $1 का मंगाते हैं और 130 का बेचते हैं भाई, प्रॉफिट ही प्रॉफिट। दीदी, अरे दीदी दीदा दो है क्या? अच्छा नहीं, दीदा है, दीदा सिर्फ दीदा है। होटल भी है, होटल भी आ जाओ मेरे, कभी है एकदम मस्त मजे करेंगे। अरे छोड़ो, अभी जो है यहाँ 21 हो गया है, मेरे को रोकना है इसको 34.7 पे, ठीक है। और पेट्रोल भर के चला गया भाई ये भी ठीक है, ये अपना पेट्रोल टैंक है शायद, है ना? ठीक है ठीक है ठीक है। अरे नहीं पेट्रोल ज्यादा भर जाएगा, ओए रोक ले। नहीं नहीं अभी पूरा नहीं भरा, इतना साले इतना पेट्रोल लेके कहाँ जा रहा है? 34 लीटर जाने का कहाँ है तेरे को? होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है 32.33 हो गया, होने वाला 34, बस भाई। अरे ज्यादा भर दिया, ज्यादा भर दिया, लो बात कर लो। ओके लेकिन पैसा आ गया है मेरे पास इससे। यार ऐसे अपने आप रुकने वाला सिस्टम होना चाहिए भाई, ऑटोमेटिक वाले नहीं है क्या इसके अंदर? ओके गाइस, अभी शायद इलेक्ट्रिसिटी वगैरह चली गई है, और मेरे को यहाँ जा, एक सेकंड रुको, उसने बोला जनरेटर यूज कर ले, रुक जाओ, फिल योर जेरी कैन। ओके मेरे को शायद ये वाला कैन भरना है, रुक जाओ भी भरते हैं। पहले इसने बोला यहाँ पे लाइट चली जाएगी, ठीक है लाइट तो चली गई ना, जेरी कैन भर के लाना है शायद मेरे को पेट्रोल वाले से। रुक जाओ मैं यहाँ से पेट्रोल भर लेता हूँ पूरा, और फ्यूल लेने को आया है, रुक जाओ इसमें से भरने का है ना मेरे को यहाँ से। ओके मैंने भर लिया है, लेट्स गो, इसको लेके चलने का है मेरे को वहां तक। अरे सर आ गए, सर को पहले पेट्रोल सर्व करते रुको, बाद में लगाएंगे बिजली। ई टू टेक, इसको करो इसके अंदर, ठीक है, और इसको करो चालू। अरे भाई ये कब से इलेक्ट्रिसिटी से चलता है भाई है? अरे जाना नहीं, चला गया भाई, वो चला गया, मेरे को लगा 2 मिनट रुकेगा, मैं जनरेटर तो ऑन कर देता, रुक जाना भाई इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो भी मेरा। ई टू टर्न ऑन, पहले पेट्रोल डालो फिर ई टू टर्न ऑन। ओके
मैंने ये जनरेटर तो ऑन कर दिया, अब इलेक्ट्रिसिटी कैसे आएगी? लाइट भी चल गई है। अरे फ्लैश लाइट जलाओ पहले, तो फ्लैश लाइट जला सकते हैं अपन इसमें। ओके ये रही फ्लैश लाइट अपनी, इसको करो ऑन और टास्क कंप्लीट हो गया। ओके मैं ट्रैफिक भी संभाल सकता हूँ अपने व्हील से, बाकी लाइट बंद करो पहले। तो लाइट आ गई है ना। ओके लाइट आ गई है, देखो इनसे पता पड़ता है कि लाइट कहाँ आ रही है। अगर यहाँ लाइट, ओ यहाँ आ गई लाइट, इसको बंद करो। अरे नहीं, अरे सब कुछ बंद हो गया है, ये जनरेटर से चल रहा है। और अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी शायद बिजली आ नहीं रही है इसलिए मैं जनरेटर से चला रहा हूँ काम, और इसके अंदर और पेट्रोल भरना पड़ेगा मेरे को। और बिजली आ गई क्या? अरे पता कैसे लगेगा बिजली आ गई? इसमें तो मुझे लाइट चलती हुई दिख रही है। अच्छा ऐसी एकदम व्हाइट हो जाएगी। ठीक है चलो, अभी जो है मेरे को क्या करने का था, अच्छा उसके अंदर पेट्रोल और भरना है ना मेरे को जनरेटर में। रुक जाओ, ये पेट्रोल अपने लिए है कि इसी पेट्रोल में से मैं जनता को भी देता हूँ? ये समझ नहीं है मेरे को बात है। इसमें से भरो पेट्रोल और इसको लेके चलते हैं वहां पे। और भाई सोना है भाई मेरे को, रुक जाओ मैं सो क्या हूं, मेरी बिल्कुल एनर्जी नहीं बची है मेरे अंदर। इसके अंदर मैं डाल देता हूं इसको, वरना अरे ओहो भाई थोड़ी देर के लिए वो लाइट गई थी, वो लाइट गई तो थी ठीक है। अरे कस्टमर आ गया फ्यूल पे, तू आता रहे, आजा तू आजा, मैं सो के आता हूं थोड़ी देर। और गाइस आज अपन इस अपने होटल का नाम भी चेंज करेंगे, रुक जाओ सबसे पहले अपना होटल का नाम चेंज करते हैं। भोंपू बजा रहा है गाइस, अपने मोटेल का नाम हो गया है नाजायज होटल। मोटेल से होटल तो बनाई देंगे, तो अभी से होटल रख देते हैं नाम, क्या दिक्कत है। इसको करते हैं सेव, और अभी बाहर चल के देखते हैं भाई नाम चेंज हो चुका है, लेट्स गो भाई। ये जो जे नीचे आता भाई क्या ही तगड़ा लगता है, नाजायज होटल और अपना स्टार। अरे रुक जाओ, ये लोग ही गिरा के जा रहे हैं सारा स्टार वगैरह मेरा, इनको भरो पहले। ओहो क्या कार लाए हो सर, लो बुद्धि में डाल लो इस। ठीक है अभी मैं ऑन कर देता हूँ जब तक ये भर रहा है। अरे आवाज बहुत तेज कर रहा है ये भरने की, रुक जाओ कुछ मिशन करना है। गेट टू द शॉप रेडी, अभी मेरे को शॉप रेडी करनी है भाई, एक सेकंड रुको। ये ले लेता हूँ मैं, ठीक है ये लेना है, ये लेना है, और क्या बोल रहा है, फ्रिज लेना, कैशियर ये लेना है, और ये भी लेनी है, ठीक है ये नहीं लेनी। तीन चीज ले ली है मैंने, इन तीन चीजों को, एक सेकंड इनको यहाँ रखवाओ, पेट्रोल भर जाएगा इतनी देर में, तो बंद कर। बारह भर, अरे जितना इसको देता नहीं हूँ उतना तो नुकसान करा लेता हूँ, कोई बात है ही। और कुछ बोलते भी नहीं है साले, पैसे उतने देके जाते हैं जितना ऑर्डर किया था इनने, ज्यादा दे दिया तुम्हारी दिक्कत, हमारी थोड़ी दिक्कत है, ऐसा बोल के और जाते। चलो अभी इसको अपन कहाँ लगाएं बताओ, इसको अपन वो नंबर वन की है ये, देख रहे हो तुम, ऐसी और आ सकती है। ठीक है इसको गेट पे लगाते हैं, और इसको अरे भोंपू बजाना बंद करो सालों, इसको यहाँ लगाते हैं, और इसको इस कोने में लगा दे क्या। ओके ये यहाँ लग तो जाएगा, और शॉप रेडी हो गई। अब मेरे को सामान ऑर्डर करना है इसके लिए, लेकिन उससे पहले इसको प्लग इन करना है। प्लग कहाँ करूँ, अरे सारे प्लग वो वाले वहीं रख रखे हैं, दो चार लगा दिए होते तो बिगड़ जाता है इन लोगों का कुछ। लो सर आप पेट्रोल भराओ पहले, कितना पेट्रोल भरना है, 12। मैं ले आऊंगा जाके ले आऊंगा, इतनी देर में वो ले आऊंगा। ओ एक और कस्टमर, कौन घुस, साले बहुत बहुत फ्री हो रहा है ये आदमी, साले ज्यादा फ्री हो। कोई बात नहीं मैडम, चेक कर लिया एकदम। और मैडम रूम चेक करना है, उधर रूम भी है। अरे भाई छोड़ो मैं जाता हूँ। अरे उसको, अरे लड़की का चक्कर, भागो जोर से भागो, तेजी से भागो, इतनी जोर से भागो कि पता नहीं पड़े फ्यूल भर गया होगा 12, और अब ज्यादा हुआ ना फ्यूल, तो आज से फ्यूल का बंद कर दूंगा, गैस स्टेशन मेट से नहीं संभल रहा, बंद कर 16। अरे भग जा सीधा, अमेजिंग यार मेरे को भाई, पैसा तो पूरा मिल जाता। देखो 16 रुपए का भरा ना मैंने, और 17 रुपए देके गया, लेकिन प्रॉफिट ज्यादा होता भाई मेरा। रुक जाओ इसको 8 भरना है, जब तक मैं प्लग लगा के आता हूँ। मेरी स्पीड नहीं बैठ रही ना, स्पीड बैठ जाए ना तो काम बन जाए मेरा यार। रुक जाओ इसको लगाते हैं यहाँ, इसको लेते हैं, इसको लगाते हैं इसके अंदर। चलो भाई फ्रिज ऑन हो गया, भागो भागो, पकड़ो पकड़ो साले को, पकड़ो बंद करो, आई चलने दे। ओके परफेक्ट, पेट्रोल भरूंगा भाई, ये अमेजिंग। चलो चलते बनो, फिर लाइट चली गई, ये क्या बकवास है। अबे लाइट अच्छा लाइट आ रही है, अच्छा बारिश आ गई इसलिए मुझे लगा लाइट चली गई, नहीं लाइट नहीं गई गाइस। अभी मेरे को शॉप के लिए कुछ तो सामान मंगाना है, और मेरे पास अच्छा खासा पैसा आ रहा है भाई पेट्रोल वगैरह भर के। बाकी नेक्स्ट रूम भी मुझे रेडी करना है, इस नेक्स्ट रूम के लिए क्या करा जाए भाई, कुछ सामान तो मेरे पास है, कुछ सामान मंगाना पड़ेगा। यही वाली टाइल्स लगाई जाएंगे, कितनी टाइल्स बची है मेरे पास, ये रुक जाओ इन सबको छोड़ो यहाँ रखो, ये जो है पेंट करते हैं पहले, और लाइट्स भी लानी है। रुक जाओ शॉप का आइटम मंगा ही रहा हूँ, तो साथ में मंगा दूंगा सारे आइटम, देखना जितना पैसा होता तो मंगाते हैं भाई। डिलीवरी में चलते हैं, और ये रहा शॉप का आइटम, देखो इसके अंदर ये नीचे हो रखा है, ये प्रॉफिट में है क्या, और ये ऊपर हो रखा है। अच्छा ठीक है इनके दाम बढ़ रखे हैं, और इनके दाम घट रखे हैं भाई, ले इसके क्या बात है, ये ले लो ठीक है। एक एक पैकेट ये ले लिया, जो नॉर्मल आ रहा है वो भी ले लूं क्या, ठीक है जो नॉर्मल आ रहा है वो भी ले लेते हैं, जो बढ़ रखा है ना वो नहीं ले रहे, बाकी सब ले लेते हैं। ये भी ले लो ये ही ले लो, ठीक है इसका नहीं ले रहे, ये ले लो ये नहीं ले रहे, ये ले लो ये सब नहीं ले रहे, ये ले लो। चलो भाई ये तो सब ले लिया। ओके सॉफ्ट ड्रिंक्स भी है, सॉफ्ट ड्रिंक्स में ये है और ये के बाद ये है और ये है, एंड ये लास्ट बचा ये। चलो भाई मैंने सब कुछ ऐड कर लिया, और यही 700 रुपए का हो रहा है सामान। अरे नहीं कर लो शिट हो गई, नहीं तो सारा सामान ऐड कर दिया कि ये अकेला 700 रुपए का हो रहा है, कहां से मंगा दूं मैं, नहीं मंगा रहा मैं, जाओ भाड़ में जाओ। कौन कर रहा है पकड़ूं सालों, तो मैं देखूं मैं, रुक जाओ इधर आना। ओ दो जने, तीन जने आ गए, रुक जाओ आ गया हेलो, पैसा दे दो, लो पेट्रोल भरो। 31 लीटर भरा रहा भाई, 30 रुपए आएंगे यहां से, देख
देख रहे हो, छोटे मोटे रुपए थोड़ी कमाता हूँ मैं, फुल एकदम भयंकर रुपए कमाता हूँ। हाँ भाई, अभी वेयर हाउस में क्या क्या पड़ा है ना, मेरे को ये देखने दो। सबसे पहले वेयर हाउस में भी अच्छा खासा आइटम पड़ा हुआ होगा। ये देखो अभी, अरे हवा में क्यों हो तुम, नीचे बैठ जाओ चुपचाप। रखो यहाँ, पिलो रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ। चलो पेट्रोल भर गया होगा, एक बार देख के आता हूँ मैं वेयर हाउस में जो रखा हुआ है वो तो रखा हुआ ठीक। ओके 23 भर गया, अब थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ेगा वरना भाई एक्स्ट्रा पेट्रोल भर दूंगा, कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। देख रहे हो भाई 26 में ही 34 रुपीज मिल रहे हैं, ये बात। और अभी इनका हो गया है 31.8, लेट्स गो। चलो भाई भर दिया मैंने तुम्हारे पेट्रोल, और ये टिप भी देखे गया भाई 4 रुपए की। चलना चल आगे चल। हाँ दूसरा आंदे, दूसरा आंदे। हेलो मैडम कैसे हैं आप, चलो पेट्रोल भरो पहले फिर बात करेंगे। ओ ये भी 31, सही है भाई, ये बहुत बहुत पेट्रोल भराते हैं और मजा आ जाएगा एकदम बढ़िया। अभी देखो 760 रुपए हो गए, थोड़ा बहुत और पैसा आ जाए तो भाई मैं अपने कुछ लैंप्स वगैरह भी मंगा लूंगा अगले, उसके लिए नेक्स्ट रूम भी तो रेडी करना है मेरे को यार, तो उसके लिए भी मेरे को रूम वगैरह के लिए मंगाने पड़ेंगे। और कितना हो गया पेट्रोल कितना, ओके 25 हुआ है। चलने तो चलने तो, कुछ देर यहीं पे रहते हैं, इसका काम करते हैं। और अरे इतनी देर बोर नहीं हो जाती, शॉप में जाके कुछ खरीद लो। अरे नहीं शॉप में कुछ रखा ही तो नहीं है, शॉप में जाके खरीदेंगे भाई, ये लोग खरीदेंगे जब मैं पूरा कर दूंगा ना तो ये लोग खरीदेंगे जाके। चलो भाई 40 रुपए यहाँ से आ गए, 800 रुपए पूरे हो गए, लेट्स गो। लाइन से लगा रखी है, भरा भाई भरा, 15 भराना है इसको यार। मुझे सो के आना है भाई, सोना है मेरे को, सोना है मेरे को, नींद आ रही है मेरे को, नींद आ रही है। हेलो मैं आपके पीछे सो जाऊं, बाकी भाई मैं और देख के आता हूँ यहाँ पे जब तक क्या क्या है। लाइट आई नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आ रही है लाइट। पर ये इमरजेंसी बटन किस चीज का है, रीसेट द मेन रोड लिविंग वीक। ओके मेन रोड रीसेट कर देगा पूरी की पूरी। अभी कचरा इसके अंदर फेंको, अरे मेरा पेट्रोल ज्यादा चला जाएगा। भागो जोर से, भागो जोर से, भागो, बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर बंद कर। 15.7 भी रुका है प्रॉपर, क्या बात है, टिप अलग मिली है भाई। चल 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 आगे चल, 4 रुपए के टिप पे क्या चार डालूंगा मैं। चल रोकियो रे तू, अब तेरा फ्यूल टैंक यहाँ नीचे क्यों है। ले भाई भरा, 26 भराना चाह रहा है ये आदमी। जब तक भरा रहा मैं कुछ और आइटम ऑर्डर कराता हूँ, मेरे को भी रिक्स से खेलने की आदत है। हाँ, अभी मेरे को इक्विपमेंट्स में जाना है और मेरे को जाना है सीलिंग लैंप में, और ये दो ऐड करनी है बस। अब भागो, बस इतना सा काम करने आया था मैं। भागो जोर से, भागो भागो भागो। वो आ गया, अरे नहीं शिट हो गई, शिट हो गई, ज्यादा भर गया होगा पेट्रोल अब तक तो। शिट हो गई, शिट हो गई, शिट हो गई, शिट हो गई, शिट हो गई। रुक, अरे अभी काम हुआ, चलने दो जरा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और सर कहाँ जा रहे हो तुम, अरे खोपड़ी बाहर निकल रही भाई तेरी, ये जो है खोपड़ी बाहर निकल रही है, देखो मैं क्राउच करके देख सकता हूँ इनको, क्राउच। भाई भर गया क्या, चलो भाई छोड़ो तुम जाते बनो। अरे ज्यादा भर दिया तुम्हारे में 3 पेट्रोल, समझ में आ रही है, फूल फूल मत बोला करो। अब भाई मैं जाके सोऊंगा, ये पेट्रोल वाले जाए नहीं जाए क्योंकि मैं बहुत धीरे चलने लग गया हूं, मेरी एनर्जी होगी पूरी डाउन। मैं जाके सोता हूं। ओके गाइस गुड नाइट, अब सोते रहो, बस सोते रहो, कितनी देर सोना है बोलो। देखो आ गया कोई तो फ्यूल पे नीचे आया, मैं भर के आऊं कि नहीं भर के आऊं, इसकी क्या कहते हो तुम लोग, पैसा देगा ये। चलो चलते हैं चलते हैं चलते हैं, इसका टाइमर चालू हुआ, वैसे मैं आ जाता हूं। देख रहे हो नींद की नींद पूरी हो जाती है, पैसा का पैसा आ जाता है। रात में उठ उठ के पेट्रोल भर रहा हूं, बहुत पैसा आएगा किसी दिन, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेहनत मेहनत वाले दिन चल रहे हैं, बताओ मैं क्या ही बताऊं। और जनरेटर से चल रहा है भाई अभी मेरा सारा सामान, लाइट कब आएगी मुझे पता नहीं है। इसमें से पेट्रोल भर लेता हूं और ये हुआ क्या, चल भाई तेरा काम होने वाला है इसको भरने के बाद। भाई वो जनरेटर में देखो मेरे को दिख रहा है पेट्रोल बहुत कम हो गया है, मुझे वहां पेट्रोल डाल के आना है। बाकी इसके में मैंने पेट्रोल पूरा भर दिया, लो फ्यूल रिजर्व। ओके भाई फ्यूल भी खत्म होने वाला है शायद मेरे, इसका जो रिजर्व किया हुआ है अपन ने वहाँ पे। अरे ये तो शिट हो जाएगी, ये तो बहुत जोर से शिट हो जाएगी। अरे बंद नहीं करना था, पेट्रोल डालना था, डाल दिया मैंने। लाइट आई क्या, अरे नो पावर भाई, गलत सीन है भाई। चलो मैं वापस से जाके सो जाता हूं। अगले दिन वो बंदी भी खाली कर देगी मेरे इसको घर को, जिससे कि मैं अगले दिन किसी और को दे सकूंगा। चलो भाई अब मैं पूरी नींद करके उठूंगा, जिससे कि अगला दिन हो जाए सुबह हो जाए, कोई आ भी नहीं रहा है। नाइस, कोई तो आया है। कौन है भाई, कौन है भाई, अरे रात में आवाज क्यों करते रहते हैं गेट वेट। यू कांट स्लीप नाउ चेक योर ओवरस्लीप बार। ओवरस्लीप बार कैसे चेक करते हैं, ओवरस्लीप हो गया क्या। अच्छा वो जो ऊपर एनर्जी आ रही है वो तो ठीक है, उसके नीचे जो आ रही है। कौन बजा रहा साले, कौन है भाई, बताऊं तेरे को मैं, एक सेकंड रुक। साले ओवरस्लीप कर लिया मैंने गलती से, तुझे पता है क्या, तुझे क्या पता होगा। ले 24 रुपए का पेट्रोल भराएगी मैडम। अरे मैडम कहां बैठी हो, थोड़ा आगे हो जाओ। अरे मेरे को क्या मजे करो अपने करो। और भाई अब क्या भाग पा रहा हूं मैं, तो ये कह रहा हूं गजब भाग रहा हूं भाई मैं। चलो डिलीवरी में चलते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स मंगाने थे मेरे को, पेंट बकेट मंगानी है ना, पेंट बकेट खत्म होने वाली क्या। सीलिंग लैंप्स तो मैंने मंगा लिए, बाथ टब खत्म हो गया शायद, बाथ टब ऐड कर लेता हूं मैं यही वाला, या फिर कुछ नया बाथ टब मंगाएंगे यार। अब मैं ना ये पेट्रोल पंप बंद करूं भाई, पेट्रोल पंप के चक्कर में बहुत झंझट होते हैं, आओ जाओ इधर जाओ उधर जाओ, बंद करो। अरे चलो तुम्हारा तो पूरा भरता हूं पहले, उसके बाद बंद कर दूंगा मैं। कुछ देर के लिए पेट्रोल पंप मुझे बंद करना पड़ेगा, ठीक है। 24 हो गया है और मेरे में पेट्रोल है भी नहीं भाई, पेट्रोल भी ऑर्डर करना पड़ेगा सबसे बड़ी बात, इसलिए बंद करना ही पड़ेगा। चलो ये मैंने पेट्रोल भर दिया है तुम्हारे में, ला ठीक है, थैंक यू टू। चलो फटाफट चलो, ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ पे, थैंक यू बोलता है कोई सामने वाला तो वेलकम नहीं बोलना होता, थैंक यू टू बोल दो। चलो अभी डिलीवरी चलो, और डिलीवरी में चलो इक्विपमेंट चलो। अभी देखो मेरे पास बेड है, बेड नहीं है मेरे पास, बेड नहीं होना चाहिए, तो डबल बेड नहीं इस पर यार, एक सिंगल बेड का रूम बना है क्योंकि ये सिंगल बेड लेने आ रहे हैं, तो मेरे यहाँ पे सिंगल बेड भी होना चाहिए। बाकी सिंगल बेड में मुझे इनमें से तो कोई अच्छा लग नहीं रहा है, ये इनमें से भी कोई अच्छा लग नहीं रहा है, एक ये अच्छा लग रहा है और एक ये मुझे यार इतना खास नहीं जम रहा, ये जम रहा है मेरे को, ये मंगाते हैं। बाकी मैंने क्या क्या ऐड कर लिया, और ये इसमें तो आएगा नहीं,
बिग बैन में आएगा, बिग बैन में अरे ट्रक मंगाना पड़ेगा वापस से है। रुक जाओ देखने दो क्या क्या मंगाया। बाथटब है, बेड है, बाथटब मेरे पास है नहीं क्या, कौन भांपू बजा रहा है, तो मैं ऐसे कराओ चल जाओ यहाँ से चलो। हाँ, अब मेरे को देखने दो मेरे पास क्या क्या है। बाथटब है क्या, बाथटब मेरे पास नहीं है, ठीक है मैं बाथटब मंगा सकता हूँ, बट यार इस बार मैं सोच रहा हूँ कोई दूसरा बाथटब मंगाया जाए। सिंगल बेडरूम बना रहे ना, सिंगल बेडरूम में कुछ अलग फैसिलिटीज दी जाए क्या। बाथटब में मेरे पास एक तो ये है और बाकी ये बाथटब है, इसकी जगह पे ये मंगाऊ मैं क्या कह रहा हूँ, ये मंगाते हैं इसको करते हैं उठाते हैं ठीक है। 988 का पड़ रहा है भाई, ऐसे ऐड करूंगा बताओ कोई बात ही। कौन है भाई, पुलिस वाला आया देखे वापस साले। हाँ तू बोल वो तो मैडम आई थी इसलिए बोल। देख फिर बगरा फिर फ्री मत होया कर मेरे साथ, इतना समझ में आ रही है ना तेरे को, फ्री मत होया कर, क्या समझी समझा क्या तू, भग जा यहां से, मैं अपना काम करता हूँ भाई, ये फालतू लोग आके टाइम पास कर जाते हैं। अभी कितने का बिल बैठ रहा है, 900 यार, थोड़ा बहुत मैं पेट्रोल भरी आता हूँ तो क्या दिक्कत है, पेट्रोल भर दूंगा तो पैसा वैसा आ जाएगा, पैसा वैसा आ जाएगा तो मैं दूसरा रूम रेडी कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात लग नहीं रही है मेरे को। चलो भाई पेट्रोल भरना चालू करते हैं, अभी मेरे पास ज्यादा कुछ काम है नहीं, पैसा कमाना है लेकिन पेट्रोल भी तो मंगाना है। एक सेकंड रुक जा यार, अरे क्या है वो भाई, ये क्या पहन के आई है, मस्त लग रही है भाई, कुछ भी बोलो छोड़ो। अभी ये देखते हैं पेट्रोल भर रहा है यहाँ पे, 12 सेकंड बचे इसके पेशेंस की, चला जाएगा क्या वैसे, इतनी देर में तो पेट्रोल भर जाना चाहिए इसका, पूरा नहीं भर पाएगा ठीक है, आधा भर के भेज देंगे। स्टार हो गया, चलो इसको निकालो, तुम्हारा पेशेंस लेवल पूरा हो गया था, अभी तुम पैसा नहीं देते। चलो भाई चलो आगे, चलो चलते बनो, चलो भाई चालू करो, 13 रुपए देके जाएगा ये, 1000 रुपए होते मैं ऑर्डर कर दूंगा बाकी। अभी अबे पेट्रोल खत्म, शिट 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 हो गई है, अरे गुस्सा हो गया भाई, गुस्सा हो गया। रुक जाओ भाई मैं सामान मंगा ही लेता हूँ, जितना सामान आ रहा है उतना ही बहुत है, मैं सामान मंगा रहा हूँ, रुक जाओ। चलो डिलीवरी में चलो, डिलीवरी में जाके जो है ये सब आइटम ऐड, अभी इनकी प्राइस घटबड़ तो नहीं गई, हाँ नहीं अभी वही चल रही है। इक्विपमेंट्स में मैंने ये सब मंगा तो रखा है, क्या ऐसा कुछ महंगा आइटम ऐड कर दिया क्या मैंने, टॉयलेट वगैरह नहीं ऐड करे, कर्टेन छोड़ भाई, कितने रुपए हुए उत्ते का मंगाते हैं सामान जो है, इस बाथटब को उठा देता हूँ मैं ठीक है। अभी कितने का हो गया, 903 का बिल आ रहा है, कर दूं ऑर्डर। विग बैन में भी आ जाएगा ना, तो स्मॉल में आ रहा है, स्मॉल में नहीं आ रहा, विग बैन में आ रहा है, 888 का ही पड़ रहा है। चलो इसको करते हैं अपन ऑर्डर और ये कुछ ही देर में आ जाएगा, जब तक अपन थोड़ा बहुत पैसा कमा के कैसे आए। फ्यूल टैंक बंद है, रुक जाओ, 40 रुपए बचे हैं, 40 रुपए का फ्यूल मंगा सकते हैं क्या, डिलीवरी फ्यूल 40 रुपए का मंगा तो सकते हैं लेकिन छोड़ो नहीं मंगा रहे। मैं जो है इसको कर देता हूँ क्लोज गैस स्टेशन को और जाके सो जाता हूँ, मेरी थोड़ी बहुत एनर्जी रिकवर हो जाएगी। शॉप रेटिंग गिर क्यों रही है, ये क्या बात हुई भाई, रुक जाओ, उठी 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 उठी, मेरी शॉप रेटिंग गिरी भाई यहाँ की तो नहीं, अरे यार यहाँ की गिर रही लग रहा है मेरे को ऐसा है। दीदी तुमको तुम्हारा टाइम नहीं हुआ क्या, 24 मैं तो डिलीवरी का वेट करता हूँ, छोड़ो एक्सपेक्टेड डिलीवरी है 18 की ठीक है, मैं 18 तक सो जाता हूँ। चलो 18 21 30 हो गए, चलो भाई लेट्स गो, मेरी डिलीवरी आ चुकी होगी, अभी चलते हैं अपन अपनी डिलीवरी लेने। और भाई आ चुकी है मेरी डिलीवरी, येलो वेन में आई है देख रहे हो, तो बिला उतर उतर, अरे उतर जा तू साले उतर, जल्दी उतर, दिखता और नहीं है इसके अंदर बैठा हुआ, उतर रहा नहीं उतर रहा, उतर रहा उतर रहा। चलो भैया खुलेगा, अरे बंद कर दे गेट, अब खुल गया, लेट्स गो, ये सारा सामान मैं ले लेता हूँ। और अरे यार इसके अंदर कुछ आइटम तो वो भी तो है, ये इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको, अरे ये क्यों उठा लिया तूने, पागल आदमी है, इस बेड को यहाँ रख देता हूँ एक बार के लिए। और ये जो आइटम है क्या मैं डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ यहाँ पे जाके, जो अपनों का स्टोर है इसके अंदर मैं एक्सेस कर सकता हूँ क्या, अरे नहीं कर पा रहा हूँ मैं, रुक जाओ उन सबको आइटमों को यहाँ लेके आना पड़ेगा, तो क्यों ना अपनी ट्रॉली उठाई जाए ठीक है, और इस ट्रॉली को रखते हैं यहाँ पे और उसके बाद ये उठाओ ये उठाओ ये उठाओ, जमाना करते हैं स्टार्ट, लेट्स गो भाई, 1 2 3 4 बाबू जी की जय जय का, 1 2 3 4। अभी ये क्या आया है, वो बाटली आई है भाई, बाटली आई है, क्या बात है क्या बात है, बहुत सारा आइटम मंगा रहा हूँ देख रहे हो तुम, ये बिकेगा कितना सारा पैसा आएगा, तो यहाँ रखो इसको, यहाँ रखो इसको, यहाँ रखो तो यहाँ रखो, चलो भाई 1 2 3 4 बाबू जी की जय जयकार। अरे एक ही डायलॉग आता है मेरे को, रुक जाओ सबको जमा ले दो फिर, अरे वो आदमी वहाँ खड़ा है बोल रहा है साले जल्दी कर ले जल्दी कर ले, पास करे जा रहा है इतनी देर से, 1 2 3 और 1 और 2। चलो भाई इसको रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ, इसको रखो यहाँ, इसको लाइटों को मैं रखवा ही आता हूँ ना अंदर, रुक जाओ इन लाइटों को जो है मैं दूसरे रूम में लगवा देता हूँ जिससे मुझे थोड़ा बहुत दिखता रहेगा, और वो वाली लाइट मैं वापस अंदर रखाया था सब कुछ वेयर हाउस में, वो जो अपनी जो नॉर्मल लाइटें थी ना मतलब गेम वालों ने दी थी जो अपने को सस्ती लाइट है, वो मैं वहां रख के आ गया हूँ। इसको उठाओ, इसको लगाओ बीचों बीच, बंद करो और जलाओ। चलो भाई ये देखो क्या मस्त लगने लग गया ये कमरा भी। हाँ अभी पेंट वगैरह नहीं हुआ है ठीक है ना, पेंट कर दूंगा अभी, उससे पहले मेरे को शॉप चलाने का है, शॉप चलाओ फटाफट। चल भाई चल तू जा सकता है, तू चला जा यार, तू ऐसे टेंशन मत लिया कर, जब भाई कुछ सामान वामान रह जाए तो वापस देने आ जा कर, तू तो अपना भाई है। इसको रखते हैं अंदर, ले चलो अंदर आ गए तो डायरेक्ट यहाँ रख, यहाँ रख, यहाँ रख, रख देना भाई। हाँ अभी बता क्या है, लेस इसमें आ जाएगी, ओके टास्क कंप्लीटेड। अच्छा यहाँ आ रही है, अबे रखते जाना तो चलो ओके। अबे नहीं अरे इतनी सारी लेस आ गई, अब मैं कैसे और लेसे कहाँ जमाऊंगा, तेरे माथे पे दबाऊं, ये लो कर दो बात, वो एक के ऊपर एक, ओके लेट्स गो, ये तो आसानी हो गई हमको आसानी। यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो और यहाँ रखो और यहाँ रखो, ओके डन। और कहा है लेस की पैकेट, सारी ऊपर रख देता हूँ। अच्छा 2 लेस की पैकेट और बची है, इसको रखो यहाँ और उसके बाद ऊपर, अरे और ऊपर नहीं आ रही है बताओ, कोई बात नहीं यहाँ रख देता हूँ, 2 रैक में तो आ जाएंगे सामान, बाकी फ्रिज में भी तो आएंगे, टेस्ट है ये, लेस नहीं है। तुम लेस कौन बोल रहा है भाई, लेस कौन बोला, ये क्या है, फॉरेस्ट फूड, फॉरेस्ट फूड, मुझे क्या करना फॉरेस्ट फूड का, मैं तो जमाता हूँ यहाँ, ये लो भाई सारा फॉरेस्ट फूड जमा दिया है। अरे उठा क्यों रहा है, जमाना पागल, चलो इसको रख दो यहाँ पे। ओ भाई कितने
सारे खाली डब्बे हो गए, इनको भी बेचूंगा तो पैसा आएगा, देखना। दो 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 दो, देख रहे हो? हाँ भाई, अब बताओ और क्या ये चिप्स और हैं इसमें, है चिप्स का, यहाँ जमा दूं? एक एक को जमाना पड़ेगा? अरे जमा दो ना यार, ये लो बैठो, इसको जमाओ यहाँ। अरे ये एक एक करके जमानी पड़ेगी, रुक जा, नीड टू प्लेस द प्रोडक्ट। ओके, जम रहा है, लेट्स गो। रखो डब्बे को यहाँ, और है क्या कोई? ये शायद इसमें नहीं आएगा, ये फ्रिज में रखने का आइटम है। हाँ चलो, अब जूस वगैरह है भाई, जूस वगैरह को रखते हैं फ्रिज के अंदर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बार। अरे यार, ये तो डब्बे सब इसी में भर जाएंगे। मैंने आइटम को ज्यादा तो नहीं मंगा दिए एक बार में। चलो ये जम गया इतने से एरिया में, ये भी ठीक है। ये और मंगा दिया, अभी कितने सारे मंगा दिए? अच्छा नहीं, अलग अलग सामान है, अलग अलग है। ठीक है, ये भी मैंने जमा दिया है। इसके बाद ये जो है, इस आइटम को मैं जमा दूं क्या? अच्छा ये यहाँ नहीं जमेगा, ये जमेगा यहाँ यहाँ पर। एंड ये सारा सामान हो गया। इसके बाद अपने पास है कुछ तो, ये कहाँ जमेगा भाई? टी है, ये पीस टी है, पीस टी यहाँ रख देंगे। चलो पीस टी को, अभी कम आई, पीस टी कम थी। ये स्नीकर्स है, स्नीकर्स तो ठंडे में रखी जाती है ना, यहाँ रखेगी। चॉकलेट ही रख तो यहाँ रहा है। ओके, यही रख रहा है भाई चॉकलेट। चलो चॉकलेट्स मैंने रख दी है। इसके बाद अपने पास है ये, इसको यहाँ रख देते हैं। ओ, एक दूसरे के ऊपर आ गए। लेट, सामान कितना भर दिया यार, मेरे को ये रैक्स भी मंगानी पड़ेगी। शॉप ओपन करके आऊं क्या? रुक जाओ, मैं शॉप ओपन कर देता हूँ, जिससे कि जब तक कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर ही नहीं आने आ रहे। इसके ऊपर जमा दोगे क्या तुम? ओ, जम रहे। लेट्स गो, एक दूसरे के ऊपर जमा की काम चला रहा हूँ, वरना तो काम चलता ही नहीं। सामान ऐसे मंगा लेता हूँ, पैसा ही खूब है मेरे पास, क्या ही बताऊं तुम लोगों को। रुक जाओ, मेरे को शॉप भी ओपन करनी पड़ेगी, और गैस स्टेशन ऑन करने का कोई सेंस नहीं बनता जब तक मेरे पास थोड़ा बहुत पैसा नहीं आएगा। मैं एक काम करता हूँ, फ्यूल में चलता हूँ, और जितने रुपए का मैं मंगा पा रहा हूँ ना, फ्यूल में मंगा देता हूँ। ठीक है, 50, ठीक है, ऑर्डर करते हैं इसको। मिनिमम फ्यूल 50 लीटर। हाँ तो 50 मंगा देना भाई, कोई मना थोड़ी करे। 50.50 का, चल ऑर्डर कर दे, क्या बात। गैस स्टेशन भी ओपन कर देता हूँ, एंड लेट्स गो। अभी चलते हैं अपन फटाफट से, जो है मेरे को देखने का है इधर। अरे डायरेक्ट कार आई है, देखना, गैस स्टेशन ऑन कर दी। ओके, अभी मैं यहाँ से चला सकता हूँ और अपना ये जनरेटर बंद कर सकता हूँ। लेट्स गो, ये पहले देख लेना चाहिए यार, यहाँ पे फ्यूल खाता है ये अपना जनरेटर भी, ये भी दिक्कत वाली बात है। बाकी हाँ, अभी मैं शॉप जमा रहा था अपनी, ये जमाते हैं। थोड़ी बहुत ड्रिंक्स है यहाँ पे रख दे भाई, रख देने, रखने को बोल रहा हूँ साले पागल। चल यहाँ रख दे, ये आ गई लाइन से सारे डब्बे, और ये हो गया खाली। नेक्स्ट लाओ भाई, नेक्स्ट रखेंगे यहाँ पे। अबे बीच में गैप क्यों छोड़ा तू? ये केक है, केक इसमें नहीं आएगा, मेरे को पता था केक इसमें आएगा। केक इसमें रख दो यार। ओके, वो रख दिया इसने, रख दिया भाई, ऊपर नीचे मिला मुलू के रख दिए सारे आइटम। मजा आ गए, ये ज्यादा मंगा लिया यार मैंने। एक पहली बार के हिसाब से ज्यादा आइटम मंगा दी मैंने। रुक जाओ, ये आएंगे भी नहीं। ओके, इसमें आ रहा है, इसमें रख देते हैं। सेकंड फ्लोर पे आ गया ये, चलो इसको यहाँ रखो, इसको उठाओ। ये कुकीज है, ये भी यही आनी चाहिए जहां तक मुझे उम्मीद है। नहीं आ रहा ये यहाँ। ओके, कस्टमर आ गया। यहाँ भी नहीं आ रही भाई, कुकीज रखी कहाँ जाएंगी? रुक जाओ एक सेकंड, मैं इसको देख लूँ कस्टमर को पहले। हेलो कस्टमर, के आइटम खूब सारे ले गए, 4 रुपए मिले इससे मेरे को। मेक श्योर यू सर्व कस्टमर ऑन। ओके गाइस, मैं इनको अगर टाइम पे सर्व नहीं करूंगा ना, तो ये जो है, अरे गाड़ी आ गई, मैं कह रहा था इनको अगर मैं टाइम पे सर्व नहीं करूंगा तो ये मेरे कस्टमर मतलब रेटिंग्स नहीं देखे जाएंगे, गंदी रेटिंग्स देंगे ये। बाकी मिल्क क्यों नहीं आ रहा? मिल्क तो यही आना चाहिए ना यार, मिल्क इसके अंदर रखो। ए रुक जाओ, ये खोलो, इसको उठाओ, इसको। अच्छा ये मिल्क इसमें भी नहीं आ रहा है, इसमें आएगा शायद, ये पता नहीं भाई। मिल्क थोड़ा सा बड़ा है, मिल्क को इसके अंदर रख देते हैं। अरे जाना इसके अंदर, वापस जाना, छोड़ो अभी के लिए बंद करते हैं। कुछ आइटम से जो कि नहीं आ रहे हैं इसके अंदर, और कुछ आइटम आ जाते हैं तो मैं जमा देता हूँ। ये आ नहीं रहे हैं। ओके, ये थोड़ा बड़ा आइटम है ना, इसलिए नहीं आ रहा है नीचे। ठीक है, इनको मैं उठा नहीं सकता क्या? रिमूव प्लग बिफोर पैकिंग दिस ऑब्जेक्ट, प्लग उठा दिया अभी। अबे नहीं, अबे शिट कर दी मैंने, शिट कर दी। रुक जाओ, इसको लगाओ वापस से, इसको यहाँ करो, और मेरा सारा सामान सड़ जाए उससे पहले ये लगाओ। चलो भाई, सब कुछ ऑन कर दिया, कोई बात नहीं, बाकी सामान मैं बाद में जमा दूंगा। अभी के लिए कस्टमर्स आएंगे और ये सामान खरीद लेंगे जो रखा हुआ है। इन सब बॉक्सेस को मैं बेच देता हूँ, ठीक है, इससे थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए अपने को। चलो भाई लेट्स गो, इस ट्रॉली को उठाते हैं, और इस ट्रॉली को थोड़ा सा ना बाहर रख देता हूँ मैं, वरना कस्टमर्स को दिक्कत आ सकती है। चलो लेट्स गो, अभी अपना ये बंदा खड़ा है, इसमें पेट्रोल भर देते हैं अपन थोड़ा बहुत। कितना पेट्रोल भराना यार? 16 तो नहीं भर पाऊंगा, तेरा तो पेशेंस लेवल ही खत्म हो गया। मैडम चलते पर धक्का दे दिया मैडम की गाड़ी को। चेक द रूम, 1 कस्टमर इज आउट। ओके गाइस, कस्टमर का टाइम हो चुका है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है इसने एक दिन से ज्यादा रहा है? बहुत गलत सीन है। हेलो मैडम, लाओ भाई चेकआउट। ये चेकआउट करके चली गई, पैसा क्यों नहीं दिया इसने चेकआउट पे? क्या पता भाई, इसकी को मैं यहाँ टांग सकता हूँ क्या वापस? ओके लेट्स गो, अब मैं दूसरे बंदे को मैं दे सकता हूँ। चलो अपना रूम खाली हो गया अपना। बाकी ये क्यों खड़ा है यहाँ पे? हेलो बड़ी, ये सुसु लगी है क्या? सुसु, ए पता नहीं भाई क्यों खड़े हैं लोग। मेरी जगह पे मत खड़े हो, मेरी जमीन है, मेरे दादाजी की जमीन है, समझ में आ रही है तुम लोग? चलो भैया बताओ आपने क्या लिया? अरे एक लेस की पैकेट लेके हवा में उड़ रहे हैं, पता नहीं। अरे दादाजी ये बच्चे के लिए ले जा रहे होंगे, छोड़ो ऐसा नहीं बोलते, तरफ नहीं आती ना। ओके, ये बोतल मैं अंदर रख सकता था, क्यों नहीं रखा मैंने? क्या ये रख सकता हूँ? ये नहीं रख सकता। क्या ये रख सकता हूँ? क्या ये रख सकता हूँ? चलो ये दोनों तीनों चीज ही नहीं रख सकता मैं, इसको यहाँ रख देते हैं अभी के लिए, इसको यहाँ रख देते हैं, और इसको रख देते हैं यहाँ पे। बची हुई बोतल्स को रख देते हैं इसके ऊपर, इसको रखो इसके ऊपर। चलो भाई, और इस बॉक्स को मैं भेज देता हूँ, 2 रुपए का पूरे। अभी मुझे यार फ्यूल वगैरह मंगाना है, बट पैसा ही नहीं है इतना, तो यार करूँ तो करूँ क्या? ये कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है? हेलो हेलो सर, आप रुके थे, मेरे को समझ में आई। अच्छा इसका एक बंदा सामान लेने गया था ना, वो देखो। अच्छा का, ए, क्या बात। आ जाओ, आने दो। चलो। अरे ये कचरा किसने करा? नहीं, कचरा नहीं करा किसी ने। बाकी भाई ये इतना सारा कचरा यहाँ पहले का फैला पड़ा है, इन सब कचरों को भी मैं रख
देता हूँ। कई सारा कचरा तो मैंने फेंक दिया था, रुक जाओ तो फेंको। साले टक्कर मत करना, इधर इधर इधर। मैं इनको स्टीयरिंग से संभाल सकता हूँ, कैसे संभालू लेकिन। ओए साले लड़ाई पीटी क्यों कर रहे हो तुम, पागल हो गए हो क्या? कैसे चलाऊं इसको? अच्छा ऐसे चला सकता हूँ, ओह क्या बात है। गाइस गाड़ी मैं चला रहा हूँ, देखो अगर पीछे बुलाओ, देखो अभी पीछे आएगी, पीछे आ रही है, अब आगे जाएगी, अभी आगे जा रही है, उधर जाएगी, उधर जाएगी, उधर जाएगी। देख रहे हो तुम इसको? अरे इसको तो साले को मैं ही चलाऊंगा पूरा, देखो मैं ही चलाता रहूंगा, देख वहां तक चला सकता हूँ इसको मैं, ठोक दूं, भेड़ दूं, और मोड़ देता हूँ इसको, मोड़ देता हूँ। साले को जाना इधर होगा, मैं उधर मोड़ देता हूँ। चल अभी मैं बंद कर रहा हूँ, जा जा अपने रास्ते जा। उधर ही चला गया वो आदमी। हेलो, साले कार को गंदी तरीके से जमा के गया, आराम खोर, रुक जाओ। अच्छा जब तक अंदर बंदा बैठा है तभी मैं मैनेज कर सकता हूँ, वरना नहीं कर सकता। ठीक है छोड़ो, बाकी वो बंदा कहाँ गया भाई? एक सेकंड, वो बंदा कहाँ गया? गाड़ी ओके, सामान खरीदने गया था, कहीं नहीं गया यार, गुस्सी हो जाती हूँ मैं, गुस्सी। हेलो, वो मैडम है, मैडम ने एक सॉफ्ट ड्रिंक खरीदी 2 रुपए की। गुड जॉब, फुट जॉब मत करो, मेरे को जो है सोने का है, नींद आ रही बहुत जोर से। इसको पेट्रोल भरता हूँ और इसके अंदर डालता हूँ और चल भाई, तेरे 4 रुपए का पेट्रोल भर के मैं जा रहा हूँ सोने। मेरी एनर्जी लेवल हो गया कम थोड़ा सा, देखो मेरे अंदर का एनर्जी लेवल कम हो जाता है, गेम वाले का हो ना हो मेरा कम हो जाता है। अभी मैं चलता हूँ सोने। साले ने 4 रुपए का पेट्रोल भराया, टिप अलग से दी है, यहाँ पे 10 रुपए का पेट्रोल भराने के बाद 1 रुपए देने वाला सीन चल रहा है। चलो भाई गुड नाइट गाइज, अभी जो है थोड़ा सा शाम को उठेंगे, दोपहर का टाइम है, दोपहर में कौन ही उठे, तो 5 बजे उठेंगे, 14 हो गए, 14 अभी तो 2 बजे मतलब दोपहर के 2 बज गए। चलो बाकी यार अपने इस होटल के लिए कोई आ ही नहीं रहा है, हद हो गई है यार, इसके लिए भी कोई नहीं है, इसके लिए भी कोई नहीं है। मेरे को है ना दूसरे में काम करने दो, ठीक है मैं दूसरा होटल तैयार करता हूँ अपना। अब तो मैंने लाइट वाइट्स भी लगवा दिए, इसको लेते हैं और इसको भरते हैं पूरे को। चलो भाई लेट्स गो। यार इस बार ना मैं बताऊँ क्या करने वाला हूँ, इसके अंदर एक वॉल अलग पेंट करूंगा, बाकी की 3 व्हाइट पेंट करूंगा, मस्त लगेगी देखना। अभी तो मैंने जो सोचा है मैं ट्राई करके देखता हूँ। इसको भरो और इसको भरो। चलो इसको भी सेम व्हाइट करने वाला हूँ मैं पेंट, और लो पेंट। और कोई आया है कस्टमर? ओके ऑफिस में भी कस्टमर है कोई तो, और अरे तीनों चारों जगह कस्टमर है। रुक जाओ मैं आ रहा हूँ भाई, मुझे एक प्रिपेयर कर लेना, मस्त सा तुम्हारे लिए घर बना रहा हूँ। चलो अब बताओ। ओके अबे तीन दो दो तीन तीन चार चार लोग आ गए, अरे ये तो शिट हो गई। इसको 1 बेडरूम चाहिए 24 आवर्स के लिए, होल्ड ऑन करवाते हैं इससे, दूसरा जना नहीं आएगा, वेट अ मिनट। ओके अच्छा अब दूसरा जना उठ के आ रहा है, जिसको 2 रूम चाहिए होंगे ना उसको देंगे, तो वो शायद ज्यादा पैसे देगा। इसको 1 बेडरूम चाहिए 72 आवर्स के लिए, इसको भी वेट अ मिनट करते हैं, उस बंदे को आने देते हैं। यार सिंगल बेड ही मांग रहे हैं सब जने, यार सिंगल बेड मंगाना चाहिए था एक। ओके इसको 2 बेडरूम चाहिए 96 आवर्स के लिए भाई, टेक दिस रूम भाई तू ले। अरे एक सेकंड होल्ड ऑन बड़ी, होल्ड ऑन, चाबी दे दूं मैं तेरे को, ये ले अब ले ले इसको, ठीक है टेक दिस रूम। द रूम इज नॉट रेडी फॉर रेंट, क्यों? अरे नहीं रेटिंग गिर रही है मेरी, रेटिंग गिर रही है डिलीवरी कहां है, रूम में क्या दिक्कत है, टॉवल वगैरह डर्टी, शिट है गई जोर से शिट। किसको दिया था मैंने रूम, कौन सा शराबी आया था भाई इसके अंदर, साफ सफाई करो, साफ सफाई। एक सेकंड, बेडशीट कैसे साफ होगी इतनी जल्दी? अरे सब जगह कचरा फैला रखा है इस आदमी ने, जो भी था भाई घटिया था। रुक जाओ उसको डबल बेडरूम चाहिए, और मेरी शॉप की रेटिंग गिरे जा रही है, गिरे ही जा रही है। रुक जाओ ये उठाओ, ये ले जा रहा हूँ मैं, ठीक है डबल बेडरूम चाहिए ना तेरे को, इसको यहाँ रख, ब्लैंकेट दे दे। अबे शिट हो गई, रुक जाओ मेरे पास ब्लैंकेट है क्या, और बेडशीट है, और अरे नहीं है, सिंगल पर्सन को देनी पड़ेगी मुझे ये सामान, कर लो बात। ये खड़ा तो है यार, 1 मिनट के लिए खड़ा रहेगा, लेकिन ये सिर्फ वैसे कैसे काम चलेगा, मेरे पास बेडशीट वगैरह ही नहीं है, डबल बेडरूम की बेडशीट चाहिए ना इसको। सिंगल वाले मैम को दे दें क्या? रुकना जरा। हेलो बड़ी तू क्या काम करे, एक तू है ना कर होल्ड ऑन। यार ये खूब पैसे देके जाता, लेकिन क्या करूं ये क्या है, रेड डस्टिंग का कचरा। मेरे को ऐसा पता होता तो मैं मंगा लिया होता भाई पहले ही। रुक जाओ अगर इनको साफ क्या करेंगे, लेकिन ये मैंने उठा तो लिया, 200 रुपए किस चीज के रिवॉर्ड के मिले मेरे को। रुक जाओ इधर वॉशिंग मशीन लगा रखी ना मैंने, ये कितनी देर में साफ करके देगी। इसको मैं स्टार्ट करता हूँ, 2.30 अग दिया जोर से अग दिया। रुक जाओ और यहाँ पे भी लोग बाग आ रखे हैं, यहाँ पे भी लोग बाग आ रखे हैं, यहाँ से लोग जाते जा रहे हैं भाई, सबसे बड़ी बात। लो भाई तुम लोगों की बिलिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है तुम लोग बिलिंग। चलो भाई इन सब की मैं बिलिंग कर दी है अभी। अच्छा ये रेटिंग्स इसलिए गिरा रहे थे मेरी, ए यार अब मैं क्या बताऊँ, अब वो भर, जब तक धुलेंगे नहीं कपड़े जब तक मैं कैसे दे दूँ तुम लोगों को। चल भाई तू चल आगे चल, तेरे को इतना ही भर सकता था मैं, इसने माइनस में कर दी यार रेटिंग मेरे इसकी। चल भाई तू भरा 12 रुपए का, और इसमें भी रेटिंग्स होती है क्या? नहीं भाई कस्टमर से चले गए लोग। अरे ये चला गया यार, ये चला गया भाई, ये चला गया। अब इन मैडम को दे देता हूँ, ये मैडम भी ज्यादा कमांग रही थी, रुकना इनको कराते हैं, वेट अ मिनट उसको बुलाते हैं, ये ले रही थी ज्यादा दिन के लिए ना, मतलब ज्यादा दिन के लिए लेगी तो ज्यादा रुपए देगी सही। रुकना ये ले रही है 72 आवर, टेक दिस रूम, रूम इज नॉट रेडी, अब क्या दिक्कत है, होल्ड ऑन उसका पेट्रोल। नहीं ऐसे कैसे काम चलेगा भाई, एक एक करके मैं, अच्छा 2 लीटर ज्यादा भरा है, चलना चल इतना ज्यादा चल नहीं भाई, पेट्रोल भराओ दीदी पेट्रोल भराओ, आप भरा रही हो अच्छा पेट्रोल 27 का, इतनी देर में मैं थोड़ा बहुत काम तो करके आ सकूंगा। देखो अब मुझे जो है काम करना है, ये क्यों अभी क्या दिक्कत आ रही है इसमें। देखो ये एक बेडरूम तो तैयार है ना, ये तैयार करके देना पड़ेगा क्या इसको। ओके टॉयलेट पेपर खत्म है, टॉयलेट पेपर मैं मंगा सकता हूँ यहाँ पे, टॉयलेट पेपर कहाँ है, टॉयलेट पेपर ये लो इसमें मैंने लगा दिया है। बाकी शैम्पू भी खत्म है, शैम्पू चुरा के ले गया भाई बोतल, ये क्या बात होती है, इसको यहाँ रख दिया। अभी रेडी है क्या ये, लो दीदी
दीदी दीदी दीदी लो दीदी ले लो टेक दिस रूम ओके लेट्स गो टेक द पेमेंट 316 रुपए आए 360 रुपए आए लेट्स गो इसका पेट्रोल रोकने का मेरे को जल्दी 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 ज्यादा पेट्रोल हो जाएगा रोक लेते चलने दे चलने दे कोई आया यहाँ पे नहीं आया भाई सब जगह गंदगी फैला देते हैं लोग चलने दे अभी 27 पेट्रोल भरना है इसके 24 हो गया 25 हो गया 26 27 चलो भाई हो गया लेट्स गो ला दे दे टिप भी मिल गई भाई इससे अब मंगाएंगे भाई अब दूसरे कमरे का सामान मंगाएंगे और बेडशीट मुझे ज्यादा मंगानी पड़ेगी बेडशीट ही नहीं मंगाई है मैंने दुनिया भर की टॉवल वगैरह पता नहीं क्या क्या नहीं मंगा दिया है भाई लो ये भी साफ करना पड़ेगा मेरे को ठीक है ये भी साफ करो और झाड़ू मारो यहाँ पे चल भाई अबे क्या हुआ मुंह क्यों लटका रखा तू पागल हो रही क्या लिया तूने अरे छोटे मोटे सामान मत लिया करो मैंने यहाँ हाँ भाई तेरा क्या चल रहा है अरे पेट्रोल फ्यूल टैंक Eight, not enough, मुझे ही पता है नॉट इनफ पेट्रोल ही नहीं है मेरे लिए नहीं है पेट्रोल तुझे कहाँ से दे दूँ मैं पेट्रोल पागल है भागो भागो पेट्रोल भरा के आन दो पहले ठीक है दीदी आपने क्यों नहीं लिया कमरा आपको कमरा दे तो दिया अच्छा वन बेड एक दिस रूम रूम है ही नहीं मेरे पास कहाँ से दे दूँ तेरे को पागल है एक दिस रूम मुझे ही पता है सॉरी नो रूम अवेलेबल हाँ रियली पागल लोग है हाँ अभी मेरे को पेट्रोल मंगाने का था पेट्रोल वाले लोग खूब आ रहे हैं ठीक है डिलीवरी में चलो फ्यूल में चलो और ये मेरे पास 600 रुपीज है मैं 399 का मंगा सकता हूँ फुल क्या मैं ऑर्डर कर दूँ और ये मैंने ऑर्डर कर दिया इतना सोचने का नहीं फ्यूल मंगाने का है मेरे को बहुत सारा ठीक है आ रहा भाई आ रहा तुम लोग यहाँ खड़े रहो थोड़ी देर खड़े रहो पेट्रोल आ रहा है ठीक है कहाँ है पेट्रोल वाला कहाँ है टंका कहाँ है पेट्रोल वाला टंका नहीं आ रहा है शॉप पे कस्टमर आ गया ओके ये रहा टैंक आ गया भाई टैंक आ गया अपना लेट्स गो आ जाओ सर आ जाओ जल्दी जल्दी धक्का लगाऊं क्या गो बैक टू प्ले एरिया यू विल बी रिटर्न इन 5 सेकंड हैं ऐसे कैसे रिटर्न कर देगा ये हम खुद आदमी है भाई आ जा आ जा आ जा अबे ठोकता हुआ मत ले क्या जल्दी जल्दी आ जा पेट्रोल भर रहा भाई वो भर रहा है ठीक है जब तक मैं इसकी बिलिंग कर दूं दो जने आ गए क्या बात है हेलो सर थैंक यू चलो भाई ये लो बिलिंग हो गई लेट्स गो भाई शॉप रेटिंग बढ़ रही है बट यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है शॉप रेटिंग मुझे नहीं पता भाई क्या पेट्रोल आ गया मेरे यहाँ पे अबे न्यू क्यों भाई भरे ना पेट्रोल भरे ना भाई क्या कर रहा है भर भी रहा है तू ओ अच्छा इसने पाइप लगा दिया पाइप लगाया ना तूने हाँ पाइप लगा दिया भाई पाइप लगा दिया रुक जाओ यार रुक जाओ अभी पेट्रोल आने में थोड़ा टाइम लगता है इसे मंगवाया है ओके चालू हो गया पेट्रोल रिजर्व में मेरे देखो इतना है शायद ये रिजर्व मेरा पेट्रोल है और ये 15 लीटर लेगा ले ले भाई जल्दी जल्दी मैं जब तक सामान जमवा आता हूँ थोड़ा बहुत ये कुकीज वगैरह है कहाँ आएंगी कुकीज वगैरह नहीं आ रही है यार इनको यहाँ रख दो चल भाई तेरा पेट्रोल हो गया इसको निकाल और चलता भाई चल जल्दी जल्दी चल ये आ गया अपना अगला कस्टमर और इसके में डालते हैं पेट्रोल और ये 10 लीटर लेना चाह रहा है ले ले भाई जब तक मैं ये अभी यहाँ पे कौन कचरा कर रहा है रुक जाओ अरे बाहर का एरिया भी साफ करना पड़ेगा क्या मेरे को देखना 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 ये क्या करा है इन लोगों ने कोई बात ही और क्या साफ करके चलो बाकी सब कुछ साफ है इसका पेट्रोल भरने वाला है भाई चल भाई बंद कर इसको दे दे और इसको डाल दे अंदर चल भाई थैंक यू टू अभी मेरे को दूसरा रूम रेडी करना है भाई वो तो मैं करने के लिए लगा हुआ ही हूँ मेरे पास इतना पैसा है नहीं कि मैं दूसरा रूम रेडी कर दूं मेरे को एक पेंट बकेट मंगानी पड़ेगी देखो इतने से पेंट से पूरा रूम तो पेंट होगा नहीं ये जो दो पेंट है इतने से तो होगा नहीं क्योंकि मेरे को जो है अंदर भी पेंट करना है तो लेता हूं मैं ठीक है और इनको रखता हूं मैं यहां पे अब मुझे लेना है ये ठीक है और इसको पेंट करना है फिर इसको पेंट करना है फिर लेना है फिर इसको पेंट करना है फिर इसको पेंट करना है फिर लेना है फिर पेंट करना है फिर लेना है फिर पेंट करना है फिर लूंगा फिर पेंट करूंगा और ये पेंट खत्म हो गया अब बताओ पेंट मंगाना पड़ेगा कि नहीं चलो भाई चलो कोई बात नहीं मंगा लेंगे पेंट मंगा लेंगे इनको यहाँ रखो इनको सेल कर सकता हूँ क्या अरे यार ये सेल ही नहीं हो रही है इनको फेंकना ही पड़ेगा अबे तू क्यों आई है मेरा दूसरा रूम खाली थोड़ी है मैं कैसे बताऊं इन लोगों को मेरा रूम है ही नहीं मेरे पास तुम लोगों को कहां से दूंगा और ये कचरा फैला रखा है फिर किसी ने हाँ भाई यहाँ पे कोई क्यों नहीं आया अरे यहाँ पे कोई क्यों नहीं आया ऑफिस में आ रखा है यहाँ पे कोई नहीं आ रखा है जहाँ आना चाहिए वहाँ नहीं आते हैं लोग अभी भाई जब तक मैं ये काम छोड़ के जो है इसके फर्श कर देता हूँ फर्श के लिए भी मुझे टाइलें मंगानी पड़ेगी मेरे पास टाइलें इतनी है नहीं रुक जाओ वेयर हाउस में देखता हूँ मैं कितनी है टाइलें मेरे पास एफ में चलते हैं और टाइलें वाइले शो करने का ऑप्शन नहीं आता क्या ये क्या बात हुई भाई अब शैम्पू वगैरह इतने मंगा लिए मैंने इतने मंगा लिए मैं तुम लोगों को क्या बताऊँ रुक जाओ भाई थोड़ा बहुत पैसा आने दो तभी मैं कुछ कर सकता हूँ ठीक है और ये बेडरूम भी मैंने बहुत दिनों के लिए दे दिया है फ्यूल भी मैंने बहुत सारा मंगा लिया चलो अब मैं काम करता हूँ मैं चलता हूँ दूसरे रूम में देखता हूँ क्या क्या अच्छा सिर्फ सीलिंग लैंप लगी हुई है बाकी सब चीजें लगानी है और मेरे पास क्या क्या है वो भी देख लेता हूँ मेरे को फ्लोर मंगाना पड़ेगा ना पहले तो फ्लोर मंगाते हैं अरे नहीं है दीदी है ही नहीं रूम टेकिंग दिस इज लॉन्ग टेकिंग आई एम वेरी वेरी सीरियस चलो अभी डिलीवरी में देखते हैं भाई जो है इक्विपमेंट्स में तो ये आएगा नहीं बिल्ड पीसेस ओके इसके अंदर है फ्लोर और भाई कौन सा फ्लोर करा जाए ये क्या प्यारा लग रहा है देख रहे हो तुम मतलब लेकिन ये कोई बच्चों के लिए ज्यादा बढ़िया लगेगा ये छोड़ते हैं अपन कुछ और अलग देखते हैं फ्लोरिंग तो यार व्हाइट कलर की करें तो ही बढ़िया लगेगी या तो ये कर सकते हैं भाई ये तो लेकिन वॉल्स की है रुक जाओ फ्लोर देखना है ना मेरे को हाँ फ्लोर बताओ भाई फ्लोर में ये कर सकते हैं यार ये बाथरूम में भी कर दें और बाहर भी कर दें कैसा लगेगा या फिर कोई एकदम प्योर व्हाइट नहीं है वॉल्स हैं वॉल्स पे टाइल लगाएं कि पेंट करें एक पे टाइल लगाते हैं गाइस कुछ अलग बनाते हैं इस कमरे को देखो एक पे ना ये वाली टाइलें लगाते हैं नहीं यार ये वाली हटाओ बच्चों के लिए लगेगी थोड़ी ये टाइलें एक पे अपन टाइलें लगा देते हैं यार लेकिन वॉलपेपर तो यही लगेगा इसको ऐड करो एक ही वॉलपेपर है अपने पास फ्लोर में चलते हैं फ्लोर में अपन टाइलें लगाएंगे ये वाली बाहर की साइड और ये
ये वाली बाथरूम में कौन सी लगाई जाए, बाथरूम में भी ये लगाएंगे, दो ऐड कर लेते हैं, तीन चार ऐड कर लेते हैं, ठीक है चार। ये वॉल्स के लिए जो ऐड करी थी उसको दो कर लेता हूं मैं, दो में शायद काम हो जाना चाहिए, तीन ऐड कर लेता हूं, ठीक है। फ्लोर हो गया, सीलिंग के लिए देख लेते हैं। ओके सीलिंग भी अलग अलग तरीके की है, सीलिंग कौन से कलर की करी जाए भाई ये बताओ, क्या व्हाइट सीलिंग करें, बाकी एक ये सीलिंग भी है, ये वाली सीलिंग ऐड कर लेते हैं, ये ठीक ठाक लग रही है। इक्विपमेंट्स में से चाहिए बेड, बेड है मेरे पास, बेड शीट चाहिए दो व्हाइट कलर की। चलो बाथटब के लिए देखेंगे, पहले मैं जो है सामान वामान ले आता हूं, और एक और कस्टमर आ गया मेरे यहाँ पे, उसको कहां से दूं मैं सामान। हेलो दीदी आप बताइए क्या लेके जा रही है। ओके दीदी ने कुछ तो पैसा सामान लिया अच्छे खासे पैसों का। हाँ भाई तुम पेट्रोल भरो। सर अपना पेशेंस लेवल थोड़ा ज्यादा लेके आया करिए, हम जो है अकेले हैं यहाँ पे, समझा करिए, सर नहीं है मैडम है यहाँ, तो मैडम का पेशेंस लेवल हम कैसे बढ़ाएं आप बताओ। लेकिन ठीक है इनको ज्यादा पेट्रोल भराना नहीं था, इनका पूरा पेट्रोल होने वाला है। और ये हो गया इनका 11.4 और स्कोर था। और चलो भाई अगला लगाओ, अगला लगाओ जल्दी जल्दी। येलो क्लब, येलो कैब, अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ भाई कैब है, तू तो ज्यादा भराती, 15 भरा रही है बताओ कोई बात। चलो अभी मेरे को सोने का टाइम भी आ गया है मेरा, इसकी बिलिंग करो, इसके बाद की बिलिंग करो। थैंक्स तो ठीक है। दीदी आप वहाँ क्या कर रही हो, वहाँ अरे यहाँ से भी ले सकती क्या दीदी सामान, यानी दीदी वहाँ तो क्या ही देख रही थी। चलो इन दीदी का भी बिलिंग कर दिए, 400 रुपए होते मैं अपना ऑर्डर कराऊंगा, मेरा ऑर्डर जो है पेंडिंग में चल रहा है। दीदी पेट्रोल भरा क्या तुमने, अच्छा 15 चल रहा है, अभी चल रहा है 15, और ये हो गया 15:06। चलो भाई दीदी आप जा सकती हैं, चलो आगे चलो। नेक्स्ट मैडम आ चुकी है, हेलो मैडम हाउ आर यू, 20 लीटर लेना है इनको, ठीक है मैं चलता हूँ अपने ऑफिस में। और ऑफिस में भाई दो जने क्यों बैठे हैं, और ये आ गई, फिर आ गई, फिर आ गई पुलिस, सौड़े तुम, ईश्वर दीदी आई है, दीदी आई है, दीदी को नहीं बोलते कुछ। हाँ भाई हेलो मैडम, 1 बेडरूम 12 आवर्स के लिए नहीं है मैडम, सॉरी, यस रियली, अटेंड तो भाई सबको करते हैं जिससे कि अपनी रेटिंग्स नहीं गिरेगी, ठीक है सॉरी नो रूम अवेलेबल, यस आई एम वेरी वेरी सीरियस। अभी फटाफट से चलते हैं फ्यूल टैंक पे, रुक जाओ रुक जाओ, ओके नाइस, सही टाइम पे आ जाता हूँ मैं। चलो भाई चलो चलते चलो। ओ भाई क्या कार लेके आया ये बंदा, देखना तुम, इसको भरना चालू करो। हेलो बर्डी भाई क्या कार है, अरे उधर कर उधर कर कर ली भी, उधर कैसे हुई लिखे मेरे से टकरा के उधर हो गई, कोई बात नहीं, इधर आइयो भाई इधर आइयो, ठीक है ओके दीदी। अरे यार कोई बड़ा बंदा आ जाए, कोई 100-200 का पेट्रोल भरा है मजा आ जाए, 10-10 रुपए का पेट्रोल भराते हैं लोग। चलो भाई लाओ, थैंक यू, चलते चलो चलो चलो। हाँ भाई नेक्स्ट आ जाओ भाई, अगर तूने ज्यादा का पेट्रोल नहीं भराया ना तो तू देख लियो। हाँ भाई कितने का भरा रहा, 17 रुपए, किसी से उधार में लेके आया का ये बता पहले, तेरी एक मुंडी जो है एकदम ऊपर जा रही है, अब बता किसी से, ओ भाई तेरी मुंडी ऊपर को आ रही है, किसी से उधार में लाया ये, 10 रुपए का पेट्रोल भराएंगे घूमेंगे 4 दिन, फिलहाल मैंने इसके 17 रुपए का पेट्रोल भर दिया है। चल भाई चलता चल आगे चल, अभी नेक्स्ट आओ नेक्स्ट आओ, 440 रुपए हो गए तेरे पेट्रोल लगा के, मैं चलता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। हाँ अभी मेरे को ना वहाँ जाके आना है, लेकिन 15 ही पेट्रोल भराया तूने भी। और सर आप बताओ आपने 2 लेस लिए, बहुत मेहरबान कर दी आपने, मेहरबानी कर दी मेरे पे, मेहरबान नहीं मेहरबानी। अभी भाई ऑफिस में लोग बाग आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, और मेरे को सोना है बताओ, यहाँ मेरे को नींद लगा रही है इसके अंदर। चलो भाई तेरा पेट्रोल हो गया ना, अभी चले यहाँ से, अभी मैं चलता हूँ फटाफट से, सोऊंगा भी और थोड़ा बहुत काम करूंगा, देखो अपना ऑर्डर करता हूँ। अरे सर नहीं है सॉरी नो रूम अवेलेबल, टू बेड, अच्छा सही बात, रूम्स में चलो। और अभी जो है मेरे को डिलीवरी में जाना है, इक्विपमेंट्स में जाना है। मैंने क्या क्या मंगा लिया था, मैंने लास्ट मंगाया था बेड शीट, ठीक है इक्विपमेंट्स में बेड शीट मंगवाई थी, ब्लैंकेट मैंने ऐड कर लिए हैं 2, पिलो मेरे पास है, डोर मैंने ऐड कर लिए हैं, सीलिंग लैंप्स मेरे पास है, बाथटब मेरे को चाहिए, बाथटब अभी फिलहाल मैं यही वाला मंगा लेता हूं, या फिर ये वाला मंगाया जाए। रुक जाओ कार्ट में जाओ, पहले तो इसको बिग बैन करो, उसके बाद इक्विपमेंट्स में चलो, अब देखो कितने कितने रुपए लग रहे। रुक जाओ बाथटब बाद में देखेंगे, सिंक देख लेते हैं पहले, ये सिंक रख रहे ना अपन, हर एक में सिंक ऐड करो, उसके बाद टॉवल बहुत सारे हैं, टॉयलेट्स मेरे पास शायद नहीं है, टॉयलेट्स भी देखना पड़ेगा, टॉयलेट पेपर है मेरे पास, हीटर मेरे पास, ये हीटर है कि नहीं है, कर्टेंस नहीं है मेरे पास, कर्टेंस ऐड करने हैं मेरे को 2, सीट्स के नाम पे मुझे सीट्स ऐड करनी है 1, ये रूम लैंप मेरे को चाहिए नहीं, लेकिन ठीक है लगा देते हैं। रूम लैंप कौन सी लगाई जाए, सामने की साइड वो है ना थोड़ा सा अलग सा लुक है, तो ये लैंप अच्छी लगेगी, बट अब मेरे को टेबल भी मंगानी पड़ेगी एक छोटी सी, इसके बेड के बगल में रखूंगा, या फिर एक ये वाली रैक मंगवाई जाए, ये भी सही लग रहा है। रुक जाओ भाई ये बढ़िया लग रहा है, ये या फिर ये, फिर ये, नहीं 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 रुको, देखो मेरे पास एक मस्त आइडिया, ड्रॉर है, ये है, ये है, ये कारपेट, ओके होल्डर, हाँ होल्डर में चाहिए था ये वाला, ठीक है, और एक ये ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद बुक वगैरह नहीं चाहिए, टॉयलेटरी नहीं चाहिए, 680 रुपए का आइटम हो रहा है, ये वाला आ जाएगा क्या, ये वाला भी नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है बाथटब नहीं मंगाऊंगा एक। दीदी मेरे पास रूम नहीं है, और सामान ये डालो इसके अंदर, ठीक है इसको करो सा। चलो भाई अबे ये क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, उधर चली मैं, उधर चली जाने जहां मैं, किधर चली, दिस इज एकदम बैड, जोर से वाला बैड, अरे कहां चली गई तू, अरे मैं आ रहा हूं ना यार, ऐसे मत क्या करो यार, तुम गुस्सा क्यों जाते हो। चलो भाई ऑर्डर हो गया तेरा, ओ क्या बात है सर जी बैठे एकदम, ओहो आई एम लाइटनिंग फास्ट, यहाँ लोग गालियां देके जा रहे हैं मेरे को, तुमने शराब पी रखी होगी पक्की बात है, शराब उन्हीं ने पी है तभी मेरे को बोली ये लाइटनिंग फास्ट। चलो भाई चलो, अरे हटो रे, सामान जमाने का है मेरे को इनको, मतलब सामान देने का है। हाँ भाई 16 रुपए का पेट्रोल भराएंगे आप, बहुत बड़ी मेहरबानी, और ये तुम्हारे 16 रुपए का पेट्रोल हो गया है, ठीक है चलो तुम चलते बनो, ट्रिप भी मिल गई है, 21 रुपए भी मिल गए, 500 रुपए हो गए पूरे। अभी मेरे को ये देखने दो एक सेकंड, बीच में लाइट गई थी ना कुछ, तो लाइट गई हुई नहीं है, ठीक है मैं पेट्रोल भरूंगा तेरे अंदर, ये ले अरे पेट्रोल वहां से भर के लाना पड़ेगा, पेट्रोल खत्म हो सकता है मेरा कभी।
अभी भी बहुत सारी गाड़ी आ रही है मेरे यहाँ। चलो भाई जल्दी जल्दी पेट्रोल भर लो तुम लोग, मेरे को सोने का है भाई, बहुत जोरों से नींद आ रही है, मैं क्या ही बताऊँ। पेट्रोल पंप बंद कर दूंगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन पैसा भी तो भाई यहीं से आ रहा है, चलने देते हैं, क्या ही फर्क पड़ता है। इसका पेट्रोल हो गया, इसको उठाओ इसमें लगाओ, ये आ गया अगला बंदा, इसके में पेट्रोल लगाओ, इसको चालू करो। इनका पेट्रोल हो गया, इसको उठाओ, इसको यहाँ लगाओ। चलो भाई चलो आगे चलो, ज्यादा पेट्रोल भर देता हूँ, सपनों में रह जाता हूँ अलग। इसको निकालो, इसको लगाओ इसके अंदर, इसको चालू करो। और भाई मेरे को इस टाइम पूरे 800 रुपए चाहिए, जिसके अंदर मैं बाथ टब वगैरह भी मंगा सकूंगा, मतलब मेरा थर्ड रूम पूरा प्रिपेयर हो जाएगा और फिर मैं वो रूम भी रेंट पे चढ़ा सकूंगा। तो बस ये लोग आ रहे हैं, इनको पेट्रोल भरते हैं, और यहाँ पे भी लोग बाग आ चुके हैं। अरे अरे रुको रुको, इनकी बिलिंग कर दूं मैं, थोड़ा बहुत पैसा यहाँ से भी आ जाएगा, दो चार रुपए ना भाई, दिखाना क्या सामान है तेरे। चलो भाई थैंक यू वेरी मच, अभी तेरे को 22 का भरना है, ठीक है 2017 हो गया, 18 हो गया, 27, चलो भाई हो गया ये, इसको रखो इसके अंदर। चलो भाई चलो, अरे चलो सर समझ में नहीं आ रही क्या तुम्हें, आंदो इसको लगाओ इसके अंदर और चालू करो भाई। 17 रुपए का पेट्रोल भराना है, जब तक मैं इनकी बिलिंग कराता हूँ थोड़ी बहुत। ये लो भाई हमारी बिलिंग हो गई, बोल तो मैं हूँ, खैर क्या ही बात। ये इसके 17 रुपए का पेट्रोल होने वाला है भाई बस, और 700 रुपए भी होने वाले मेरे यार, और मैं तुम्हें दिखाता हूँ 700 रुपए का पूरा आइटम आ रहा है। और एक कर्टेन, एक सेकंड को ये हो गया ना मेरा, हाँ कर्टेन मैंने ऐड कर दिया। तू जलने आगे, गुड जॉब, ठीक है ना, बाद में बोलियो। लाओ लाओ लाओ, अरे इतनी छोटी सी गाड़ी में कितना पेट्रोल भराएगा 6 लीटर भाई। यहाँ रुक के जाना पड़ेगा मेरे को, वहां जाना है मुझे, तुम्हें कुछ दिखाने, कोई ज्यादा 24-25 रुपए का पेट्रोल भराएगा उसमें दिखाने जाऊंगा। ले भाई तेरा काम हो गया, तू चल। ऐसी गाड़ियां ला रहा है, इनको मिल कहां से रही है गाड़ियां। चलो भाई ऑटो की गाड़ी बना रखी है उन लोगों ने। चल भाई तेरा भी पेट्रोल पूरा हो गया है, नेक्स्ट बुलाओ भाई। आंदो आंदो, अबे ये आगे ब्लर सा कैसे है। अरे चलो ना दीदी, ये लो दीदी, ये लो दीदी, लो पेट्रोल भरो तुम बढ़िया जोर से यार। अबे मैं सोच रहा हूँ कोई ज्यादा का भरा है, कोई ज्यादा का भरा ही नहीं रहा है, और कस्टमर आ रहे हैं बस, वो भी ठीक है। 700 रुपए कर रहे हैं मुझे, तो कैसे भी करके फिर मैं दिखा दूंगा तुम्हें लास्ट में। चलने दो कोई बात नहीं, दीदी को भी मैंने पूरा भर दिया। चलो दीदी नेक्स्ट आंदो। कैसी कैसी कारें, कैसे कैसे लोग आते हैं, क्या ही बताऊं। लो तुम तो ज्यादा का भराओ, 15 का भरा रहे हैं। अरे मर्द है तू, मर्द है तू, ये मर्द है तू। मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ भाई, कोई बात नहीं, 15 का भरा रहा हो, जब तक मैं यहाँ जाके आ जाऊंगा तुम लोगों के पास, मतलब उधर की साइड चला जाऊंगा। ये देखो अभी तुम देखो ऑर्डर में, देखो तुम, मैंने इक्विपमेंट्स में बाथटब ऐड करा है, बहुत महंगा वाला, ये वाला ऐड करा भाई, ये वाला बाथटब, ठीक है। तो 780 का पड़ रहा है। बाकी एक सेकंड मुझे एक चीज देखनी थी, रुक जाओ, कारपेट कर्टेन, रुक यार वो उसको फ्री करूं, मैं उसको फ्री करूं, ज्यादा पेट्रोल भरना नहीं है मेरे को। और भाई अब रात में ही काम करता हूं मैं, देख रहे हो तुम, रात में, रात ही दो, रात के 2 बज रहे, और लो 19 रुपए का भर दिया, मेरे को लगा ही था तुम्हें। चलो भाई यहाँ के सब मैंने फ्री कर दिया, कोई आ नहीं रहा, 2 बज गए, खैर इसलिए भी नहीं आ रहा होगा, क्योंकि 2 से सुबह 5-6 बजे तक नहीं आते, फिर आते। हाँ तो अभी मैं ही कह रहा था, देखो मैंने कुछ देखा है, इसके अंदर बाथटब रखने की जो जगह है ना, ये वाली, उसके ऊपर एक सर्कल, मतलब ये पाइप बंधा हुआ है, यहाँ पे शायद कोई तो कर्टेन आएगी, तो बाथरूम का कर्टेन ऐसा कुछ है या फिर नॉर्मल कर्टेन लग जाएगी, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कर्टेन आनी चाहिए। देखो वहाँ कारपेट कर्टेन कहाँ है, कर्टेन ये रही, और देखो इसके अंदर कर्टेन है, और ये ब्लाइंड्स क्या है, अच्छा ब्लाइंड्स तो वो होती है ना ऐसे नॉर्मल ऑफिस में जो लगी रहती है। शावर कर्टेन ये रही भाई, ये देखो ये शावर कर्टेन है, ये शावर कर्टेन, ये शावर, ये अच्छा लग रहा है, ठीक है। एक कर्टेन ये ऐड कर लेता हूँ, 2 एक और रूम में लगानी ना। अब 840 रुपए चाहिए, कहाँ से लाऊं, कहाँ से, कोई बात है, खैर मैं सो जाता हूँ, गुड नाइट कर लो भाई, नी कर लो। 700 रुपए मेरे पास है, 824 रुपए चाहिए, शॉप पे कोई है और उस पे कोई है, रुक जाओ, शॉप वाले को तो 2 सेकंड में निपटा सकता हूँ, तो शॉप पे तो मैं जाके आऊँ। यहाँ पे कौन आया है, हेलो सर, ओ सर नहीं है, दीदी बताओ। 3 रुपए के लिए उठ के आया, आधी नींद बिगाड़ी, 3 रुपए, ओ 3 रुपए, 3 रुपए टिप दे के गई है 3 रुपए का सामान लेने में, ये बात। बाकी मेरे ऑफिस में भी कोई तो कस्टमर आ रहा है, और दिन भी हो चुका है, दिन के 7 बज गए, मैं 12 बजे उठूंगा, अभी सोऊंगा भाई, जाऊंगा वापस जाके सोऊंगा। 15 लीटर पेट्रोल भरा दिया है, और अब नहीं, पेट्रोल वालों के लिए तो नहीं आ रहा, नहीं यार पेट्रोल वालों के लिए ही आना पड़ेगा मेरे को, मैं क्या ही बोलता हूँ, क्योंकि पेट्रोल वाले तो पैसे देके जा रहे हैं। 15 हो गया है, 13 हो गया है, 14 हो गया है, और ये 15 हो गया है। चलो भाई चलते चलो, टिप मिल गई, 20 रुपए मिल गए, 730 रुपए हो गए, बस कुछ देर और भाई, कुछ देर और पूरा रूम रेडी करूंगा, इसको उठा के आ जाता हूँ, नई रेटिंग रहेगा मेरी, ठीक है। हाँ रियली जोर वाला रियली। ओ यार ये गंदगी किसने कर रखी है मेरे यहाँ पे, यार एक गेट यहाँ भी लगवाना है, मैं कस्टमर के सामने ऐसे सो जाता हूँ यहाँ, कस्टमर अभी यहाँ कौन पी रहा, अरे कर दी मैंने शीट, कर दी जोर से। चलो अरे दीदी नहीं है, रूम नहीं है मेरे पास, अभी जो है लोग बाग आ गए हैं, बहुत जोर से भीड़ लगा रखी है लोगों ने, लोग पेट्रोल लो जोर जोर से पेट्रोल लो। चल भाई तेरा पेट्रोल पूरा हो गया, तू चलता बन, ठीक है 25 रुपए मिल गए। बस यार ज्यादा नहीं बस 840 चाहिए, फिर मैं वो ऑर्डर कर दूंगा, और अगर ज्यादा देर में पैसे नहीं हुए ना मेरे पास, ज्यादा देर लगने लगी तो मैं कुछ सामान माइनस कर दूं, क्या क्या कहते हो, इसमें से कुछ सामान माइनस करके मैं मंगाऊं कैसा रहेगा, डिलीवरी में चलो कार्ट में चलो, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सामान नहीं मंगाया मैंने, लेकिन माइनस कर सकते हैं क्या, कुछ ये सेल्फ वगैरह माइनस कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ यार वो सिंगल बेडरूम है ना थोड़ा प्यारा सा बना दूं। एक सेकंड क्या भाई यहाँ क्यों खड़ा है, अरे तुझे भरा भी लोग हैं, ओए पेट्रोल, अरे 6 का पेट्रोल भरना था, मैं 6 के में क्यों घूमने चला गया, बुद्धि नहीं है क्या मेरे, मैं बिल्कुल कैसे कैसे काम करता हूँ। लो भाई लो 9 रुपए का पेट्रोल भरा रहा है, इतनी सी गाड़ी में वो पैसा लग रहा है, लौंडा, ओ लौंडा है तभी भरा रहा है, ओ भाई ये कहाँ से लेके ट्रक बना रहा, साले विंटेज कार है कि ट्रक है ये, तुम जा तो सही। बाकी इसमें 9 रुपए का मैंने पेट्रोल भर दिया है, पूरे 10 रुपए का भर दूं क्या कहते हो, ये 9.1 और
9, चलो भाई 9 का ही भरूंगा, क्यों भरूं ज्यादा, 780 रुपए। ये लो भाई सर पेट्रोल भराओ, 20 रुपए यहाँ से आ गए। शॉप पे कोई कस्टमर आ रखा है, जब तक उसको निपटा लेते हैं। हेलो मैडम, आप बताइए। ओके, आपका बिल हुआ है टोटल 5 रुपए, 85 रुपीज हो गए हैं, आपका बिल होने वाला है। ये मनी का क्या है, ये नीचे क्या मनी का है? अच्छा अपन कोई हायर कर लेंगे, शायद वो मनी यहाँ रखे जाएगा। चलो इसकी मैंने पेट्रोल, ओ रिजर्व खत्म हो गया है अपना फ्यूल का, अब उसके अंदर भी मुझे पेट्रोल भराना पड़ेगा और इतना पैसा। ओ चॉइस, चलो लास्ट डन हो गया भाई। इससे मेरे जहाँ तक पैसा रिकवर हो जाना चाहिए, सारा रिकवर मतलब मैं सारा ऑर्डर दे देना चाहिए मेरे को जहाँ तक लगता है। एक बार देख के आ जाता हूँ मैं, कितने का बैठ रहा था मेरा बिल, कितने का बन रहा था मेरा बिल, बन रहा था 845। नहीं, एक और जनक का पेट्रोल भरना पड़ेगा मेरे को, और ये एक और लौंडा आ गया भाई, लेकिन वो डिलीवरी देने में भी तो टाइम लगाएगा। तो इस ठीक है, 17 रुपए का तो यही हो गया, बाकी एक और पेट्रोल भराने आ रही है। मेरे को लगा पेट्रोल भराने आया है वो, मेरा रिजर्व पूरा खत्म हो गया भाई। इससे मेरे को 31 रुपीज मिले, 44 45, अरे 1 रुपए की कमी, 1 रुपए की कमी, हद ही हो गई। ले 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 तेरे भर देता हूँ 1 रुपए का, मेरे को सामान मंगाने दे फिर फटाफट। है ये ले, चल चालू कर दिए, 10 रुपए का पूरा भर देता हूँ तेरे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास इतना पेट्रोल है क्या? हाँ है। अच्छा ऊपर अपना रिजर्व भी है भाई, वो ऊपर घट ही रहा है, वो तो पेट्रोल डालने आ जाता है ना तब वो भरता रहता है। बाकी इसको पेट्रोल भर दिया मैंने, अरे ज्यादा हो गया। चलो भाई गुड जॉब, तो ठीक है अब मैं जा रहा हूँ ऑर्डर करने। अरे कौन कचरा सामान, कौन अरे कचरा कौन फैला के जाता है भाई, सब कुछ मंगा दिया। लेट्स गो भाई, मैं जाके सोऊंगा बढ़िया। भाड़ में जाओ तुम लोग, क्या चाहिए तेरे को? तेरे को वन बेडरूम नहीं है नहीं मेरे पास। हाँ दिस इज टू बेड, नहीं एकदम जोर से बेडरूम है मेरे पास, बेड देखा है तूने कभी? हाँ भाई बोल। दो बेडरूम चाहिए 12 घंटे के लिए, अभी खाली नहीं हुआ है, जाओ। चलो अभी मैं मंगा देता हूँ भाई अपना ऑर्डर, ठीक है डिलीवरी में चलते हैं, इसको करते हैं अपन ऑर्डर। लेट्स गो भाई, गुड नाइट। जब तक ऑर्डर नहीं आता 20 बजे तक सोऊंगा, 20 बजे। शॉप वॉप पे भी कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन जाने दो भाई, छोड़ो मैं रात में उठूंगा डायरेक्ट। और कितने सारे हर जगह लोग बागे भाई, एक सेकंड। और मेरी डिलीवरी आ भी गई है सामने से, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उठ गया तो। वन बेडरूम चाहिए? नहीं है मैडम अभी के लिए नहीं है, मैं बाद में, बस आज के दिन बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कस्टमर को निपटाया था, 3 कस्टमर है शॉप पे, इनको तो निपटाना बनता है भाई। चलो भाई दीदी आप बताओ आपका बिल हो गया है? चलो भाई मैंने सबकी बिलिंग कर दी है, लेट्स गो अभी चलते हैं अपन फटाफट से। और मेरा सामान आया ना, ये रहा भाई पूरा ट्रक भर के मंगाया है, और इसमें मेरा दूसरा घर भी बनने वाला है। ये देखो ये वाला बाथटब मंगाया है इस बार, देखते हैं इससे क्या होता है क्या नहीं। थोड़ा स्पेशल वाला बाथटब मंगाया है, इनको रखते हैं अभी के लिए यहाँ पे, इसको रखते हैं यहाँ, इसको रखते हैं यहाँ, इसको रखते हैं यहाँ, इसको रखते हैं यहाँ। और मुझे यार गैस स्टेशन बंद करना है, वरना फालतू की रेटिंग्स गिरेगी, गैस स्टेशन मैंने बंद कर दिया है। लेट्स गो, रेटिंग्स नहीं करनी चाहिए भाई अभी, जो 10 सेकंड में रेटिंग गिर सकती है मुझे ऐसा उम्मीद है। बाकी मैं तो सामान जमाता हूँ, चलो इस सारे डब्बे उठाओ, इन डब्बों को रखो एक के ऊपर एक यहाँ। देखना ये रेटिंग गिरा रहे हैं, रेटिंग गिरा रहे हैं भाई, फालतू की रेटिंग गिरा रहे हैं, जब मैंने बंद कर दिया है तो क्यों खड़े हो तुम लोग यहाँ। बाकी भाई मैंने ज्यादातर सारा सामान उतार लिया है, थोड़ा बहुत और बचा इसको उतार देते हैं। ये गेट है, ये दूसरा गेट, ये अब क्या रह गया भाई? ओके कुछ ब्लैंकेट्स हैं और एक डब्बा। चल भाई चल, चल सकता है तू, जा सकता है, भग जा यहाँ से। लेट्स गो, यहाँ रखो इसको, यहाँ रखो इसको, यहाँ रखो। अभी भाई चलते हैं। और तुमने भीड़ क्यों जमा रखी जब गैस स्टेशन बंद कर दिया है मैंने? फालतू में 15 रुपए का पेट्रोल होगा ही नहीं मेरे पास, 11 रुपए का पेट्रोल बचा है। और भाई लाइट चली गई ना तो पेट्रोल मेरे काम आता है, चल भग जा यहाँ से, हट जा। आई एम वेरी वेरी सीरियस, बकवास नहीं करना मुझसे वरना मैं गोली मार दूंगा। चलो ये पेट्रोल भरा और देखना मेरे पास पूरा 0 हो गया पेट्रोल। दीदी 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 सुनती नहीं है दीदी, मैं क्या ही बताऊं दीदी। पेट्रोल मंगाना पड़ेगा और पेट्रोल बहुत जल्दी मैं मंगा सकूंगा, क्योंकि मेरा अगला रूम भी रेडी होने वाला है बस थोड़ी देर और। अब देखो तुम, मैं सबसे पहले बेड नहीं मंगा रहा, बेडशीट भी नहीं, नीचे से देखते हैं, ऐसे सीरीज में चलते हैं। पहले तो ये प्लेस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ अरे एक अबे पेंट, एक सेकंड शिट हो गई है, तो पेंट तो मैंने मंगाया ही नहीं था शायद। कौन है? अरे नहीं है भाई, रूम खाली तो जान दे पहले रूम को। पेंट बकेट को मंगाए है ना, पेंट बकेट मंगाए है मैंने। चलो इन पेंट बकेट्स को लेके चलो, और ये भी ले लो, ठीक है। और फ्लोरिंग का कहाँ है? फ्लोरिंग का ये रहा, अरे ले नहीं सकता एक बार में चीजें। इन चीजों को रखो यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। ये तो मैं जमाने वाला हूँ, मतलब लगाने वाला हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। और कितनी है इसमें? ये ओ एक डब्बे में खूब है भाई, अभी एक डब्बे में खूब आई है। मैंने फालतू में 2 डब्बे मंगाए, इसके अंदर भी 2 पड़ी है, 100 आई है ना, एक के अंदर 100 आई है। और ये देखो भाई सामने वाला क्या ही सही लग रहा है, बस गंदा नहीं लगे। थोड़ी देर रुको एक सेकंड, ये इसमें 3 नंबर का कलर है, इसमें 3 नंबर, इसमें 4 नंबर है ना। मैं कलर तो व्हाइट ही करने वाला हूँ अंदर, राइट। ये मैंने पेंट कर दिया, इसके अंदर ये पेंट कर दिया, इससे कौन सी शॉप रेटिंग करा रहे हो तुम, इसके अंदर ये पेंट कर दिया। चलो लेट्स गो, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ, इसको उठाओ और इसको उठाओ, इसको रखना है बाहर, ठीक है। ये कमरा एकदम रेडी हो गया पेंट के मामले में, ठीक है। छत पे मैं सीलिंग लगाऊंगा, सीलिंग मैंने मंगाई है यहाँ के लिए, जहां तक मुझे उम्मीद है। सीलिंग मंगाई की नहीं मंगाई, सीलिंग मैंने व्हाइट कलर की मंगाई तो है यार, रुक जाओ मुझे देख के आने दो। ये इतने सारे आइटम मंगाए मैं किस लिए? ओके ये कर्टेन है, ये कर्टेन है, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, ये उठाओ, ये सीलिंग, ठीक है। ये और ये, चलो जो जो ले जा सकता हूँ वो ले जाता हूँ, बाकी मैं डायरेक्ट यहीं से मंगवा लूंगा सारे सामान। कस्टमर्स आ रखे मेरी शॉप पे, वो भी देखने हैं मेरे को। यहाँ रखो इसको, यहाँ रखो इसको, यहाँ इसको, यहाँ इसको, यहाँ। चलो भाई इसको सबसे पहले लगाओ इस पे। अच्छा 2 लगेंगे, एक पे 2 लगेंगे कर्टेन, ये भी ठीक है। ये टाइल्स है, इन टाइल्स को लगवा देते हैं यहाँ पे। दूसरी उठाते हैं, इनको लगवाते हैं यहाँ। तीसरी और ये चौथी। चलो भाई ये टाइलें भी बढ़िया लग रही है। ये मैंने बाथरूम के लिए तो नहीं मंगाई थी ना, यहीं के लिए मंगाई थी। और
बाथरूम में भी मैं शायद सेम लगाने वाला था। ठीक है भाई, दिस प्लेस इज ग्रैब बोल के गया कोई तो, अभी मैं मारूंगा भाई, जूते मारूंगा क्या। अरे दीदी छोड़ो भाई, अरे भगाते हो यार गाड़ी को साले। नो भगाइंग जोन एरिया है, नो भगाइंग जोन एरिया, समझ में आ रही कि नहीं। ये उठाओ। और यार टाइलें कम पड़ गई थोड़ी सी यार, दूसरी वाली लगानी पड़ेगी मेरे को अंदर की साइड है। चलो कोई बात नहीं, देख लेंगे। इसको यार को कर्टेन लगानी पड़ेगी पहले तो यहाँ पे। ठीक है ये कर्टेन, अच्छा नहीं एक ही लगेगी, ये ढक सकते हैं। ठीक है हाँ, अभी मेरे को ना सबसे पहले मंगाने दो, देखो टॉयलेट मंगाने दो, एक तो इस टॉयलेट को रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है अगला जो है मेरे को मंगाने दो टावल, नहीं सिंक मंगाने दो, चलो सिंक को रखो यहाँ। उसके बाद बाथटब मेरे को रखना है यहाँ पे। अरे मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, देखो बाथटब और ये तो मैच कर रहा है, बाकी मैचिंग बाद में लगा लेंगे, इन चीजों को तो बेच बचा देंगे दोबारा। ये इस डोर को लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है इसको खोलो, इसके बाद दूसरा डोर कहाँ है, इस डोर को लगाओ यहाँ पे। और अब एक बेड उठाते हैं भाई यहाँ पे। पता है मैं क्या करने वाला हूँ, लगाऊंगा डबल बेड ही, लेकिन सिंगल दो लगाऊंगा, जिससे कि क्या फायदा होगा, मैं कभी भी एक बेड उठा के दूसरे रूम में लगा सकूंगा। मस्त आइडिया ना भाई। चलो अभी इस क्लॉक को लगा देते हैं यहाँ पे, अभी के लिए यहाँ लगा रहा हूँ, यहाँ पे सही जचेगी नहीं ना। हाँ यहाँ सही लग रही है। ठीक है इसके बाद बेडशीट में ये वाली मैं नहीं, रुको इसको नीचे रखो, यहाँ रखो इसको यहाँ लगाओ। नेक्स्ट इसके बाद बेडशीट होगी ना, बेडशीट बिछा दी, ब्लैंकेट लो एक और इसको यहाँ बिछाओ। इसके बाद पिलो एक दे दो, पिलो लगा दो यहाँ पे। देन डोर लगा दिए, सीलिंग लैंप लगा दी है, बाथटब लगा दिया है, सिंक लगा दिया है, टावल रखने हैं दो, एक टावल और ये दूसरा। अच्छा एक ही टावल तो रखेंगे यहाँ पे, रुक जाओ। अरे क्यों निकाल लिया मैंने फालतू में, इसको रख दो अभी के लिए यहाँ पे, बाद में रख देंगे अपन अंदर है ना। बात टॉयलेट पेपर निकाल लेते हैं एक, यहाँ रखो। उसके बाद हैंग हीटर, चलो भाई हीटर तो यहाँ लगेगा। देन कर्टेन्स चाहिए मेरे को, एक यहाँ लगेगी, उसके बाद एक लगेगी यहाँ। फिर मैंने एक सोफा सेट मंगा रखा है, ये लगाते हैं भाई। टीवी मंगाई जाए यार, सामने टीवी नहीं, यहाँ नहीं, फिर सोफा सेट यहाँ लगा देंगे और टीवी यहाँ लगा देंगे, सही लगेगा। चलो ठीक है, रूम लैंप मंगाई थी मैंने, रूम लैंप मैं ले आया हूँ, इस रूम लैंप को मैं लगा दूंगा यहाँ पे। रुक जाओ, मैंने टेबल भी तो मंगाई थी, रूम लैंप टेबल डेस्क कारपेट चाहिए एक मेरे को। अरे ये बीच में टाइल नहीं लगी है अभी यहाँ पे, वो लगा दूं, ये लग जाएंगी क्या यहाँ पे, ये नहीं लगेंगी। चलो कारपेट ड्रॉर, इलेक्ट्रिसिटी कारपेट होल्डर्स लगाने मेरे को अब थोड़े बहुत। हाँ देखो ये मंगाया था मैंने यहाँ के लिए, देखो ये नहीं ऐसे लगाने हैं कि ऐसे, ये सीधा है, इसको लगाते हैं यहाँ पे। और ये मैंने इसके लिए मंगाया था, बट ये इस पे आएगा नहीं, तो मैं इसको नीचे रख दूं तो कैसा लगेगा। ठीक है सही लग रहा है। होल्डर्स लगा के आता हूं अंदर बाथरूम के लिए, ये इसको लगाते हैं यहाँ पे। उसके बाद ये वाला टावल होल्डर है जो कि इसके पास आना चाहिए। एंड देन अपने पास है एक इधर खाली होल्डर। और अब से भाई शैम्पू पता है कहाँ रखने वाला हूँ मैं, देखो टॉयलेटरी कहाँ, ये रहा, इसको रखेंगे अपन यहाँ पे। ये सोप यहाँ ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है ये यहाँ पे कुछ भी रख सकता है बंदा जो रखना चाहे, और कोई तो बाहर नौटंकी दे रहा है। इसको उठाओ, इसको रख दो यहाँ पे। ठीक है चलो टॉयलेट पेपर ना, टॉयलेट पेपर बच गया, इसको रखते हैं यहाँ पे। और इसको उठाओ। और यहाँ टाइलें नहीं लगी थी एक जगह तो, वो लेकिन ये बाथटब ने कवर कर लिया। ठीक है इसको खोल, चलो ओके। दीदी चली गई है यहाँ से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दीदी कचरा अलग फैला के गई है, चलो कचरा मैंने समेट लिया है। अभी कस्टमर खड़े हैं, चार लोग खड़े हैं भाई यहाँ पे। लो मैं सबको निपटाऊ यहाँ पे, मान दो गलती से ये उठा लेता हूँ, रुक जाओ जरा, लाओ भाई सामान नेक्स्ट। चलो भाई सबको मैंने सामान दे दिया है, अभी मैं थोड़ा बहुत कचरा जमा लूं और ये साफ कर दूं। डन भाई, फ्यूल टैंक अभी बंद है क्योंकि अपने पास फ्यूल बिल्कुल भी नहीं है। और अपना एक नया रूम रेडी हो गया है, रेडी हो ही गया है। एक बार देख लेता हूं क्या दिक्कत है इसमें, नॉट रेडी दिखा रहा है अभी। सीलिंग शायद प्रॉपर नहीं हुई है, बिल्डिंग पीसेस पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है भाई, फ्लोर वॉल्स पूरी है, सीलिंग पूरी नहीं है। सीलिंग देखने दो जरा, सीलिंग में क्या दिक्कत आ रही है। ओके सीलिंग नहीं करी ना, सीलिंग मैंने मंगवाई थी लेकिन यार वो कहां लगा दी मैंने, यह तो शिट है। सीलिंग ये रखी ना, ये रखी भाई, फ्लोर भी रखा है, सीलिंग भी रखी है, क्यों टेंशन ले रहा हूँ। हो गया भाई पूरा कमरा अपना ये। लेट्स गो, इसको यहाँ रखो। चलो सबसे, अरे ये वाला कमरा नहीं है, इसको लगाना है बस यहाँ पे। ठीक है हो गया डन। और ये यहाँ लगेगा क्या, नहीं लगेगा। इसके बाद मुझे सीलिंग दो, ये सीलिंग है ना, ये सीलिंग लगानी है मेरे को पूरे पे। इसके बाद ये दूसरी सीलिंग और होगी यहाँ पे, ये रही। अबे नहीं, अबे शिट हो गई, सीलिंग एक ही मंगाई है क्या मैंने। नो, ऐसा नहीं करो बाबू मेरी जान, सीलिंग एक मंगाई है। ओ मिल गई सीलिंग, मिल गई मेरी को। और भाई अभी इनको मेरे को बाहर से भी पेंट कराना है, ये बाहर से पेंट हुई नहीं है पता है, अभी जो है अंदर अंदर का देख के बिक जा रहा है मेरा सामान, लेकिन बाहर से भी पेंट कराना है। बाकी ये हो गया है पूरा अपना सीलिंग, एंड लेट्स गो भाई, अपना दूसरा रूम भी कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट हो गया तभी मेरे को रिवॉर्ड मिला है शायद, यहाँ पे देखो ये क्या प्यारे लग रहे हैं भाई। बाकी ये दीवार ज्यादा चमक रही है, रुक जाओ इसको उठाओ और इसको लगाओ
यहाँ पे। अब लाइट बंद करके चालू करो, अभी ठीक है। ये ज्यादा चमक रहा था उस लाइट की वजह से, बाकी एक लाइट भी ज्यादा बढ़िया लग रही है इस कमरे में, तो एक लाइट ही बहुत प्यारी लग रही है। इसको रख देते हैं यहाँ पे, नहीं 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 वो यही बेड के बगल में अच्छा लग रहा है, यहाँ पे एक स्टूल होना चाहिए था। बाकी अपना वन बेडरूम सेट एकदम तैयार है और अपने होटल का आधा स्टार आ चुका है भाई, पूरा पूरा एक स्टार में से। मैं जाके सो जाता हूँ, बाकी इनको क्या चाहिए, टू बेडरूम सेट चाहिए यार, तुम्हारे लिए था मेरे पास, होल्ड ऑन करो थोड़ा सा। और अभी बॉडी बिल्डर भाई, ये कितनी देर के लिए लेके बैठी है मेरे कमरे को, मेरे को ये समझ नहीं आ रही है। रुक जाओ, ये इनसे बात करते हैं, वेट अ मिनट करते हैं, दूसरे को आने देते हैं। ओके हेलो मैडम, आपको क्या चाहिए जरा बताएंगे। टू बेडरूम चाहिए, अरे अब सबको टू बेडरूम चाहिए जब वन बेडरूम बना दिया मैंने। मोटेल की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे करके। ऑर्डर में चलते हैं, मेरे को जो है एक और बेड ऑर्डर करना है, वैसा वाला कहां गया। इक्विपमेंट्स में चलो, ये वाला बेड है ना एक और ऑर्डर करना है, जिससे क्या फायदा होगा कि मैं ये बेड कभी भी उठा के इधर उधर रख सकता हूँ। बाकी मैंने ब्लैंकेट्स वगैरह सब ऐड कर लिए और ₹20 मेरे को ट्रक के देने पड़ेंगे, जो तो देने ही पड़ेंगे। ऑर्डर करते हैं और यू कांट कैन नॉट फिट प्रोडक्ट शेड भाई, बेड छोटी वेन में आएगा ही नहीं, विग वेन मंगानी पड़ेगी, ₹15 और दो भाई। लो ऑर्डर करते हैं, ठीक है छोड़ो अब मैं क्या ही बताऊं। ये भी अब अपना डबल बेडरूम हो जाएगा, मैं सो जाता हूँ बढ़िया से 22 तक, कल उसको डबल बेडरूम बना के बेच देंगे। चलो भाई 22 हो गया है, अभी चलते हैं शॉप पे। दो कस्टमर खड़े हैं भाई, सबसे पहले तो उसको निपटा के आते हैं क्योंकि ये रेटिंग्स गिराते हैं भाई अपने शॉप की। चलो हेलो सर, क्या करते रहते हैं, पागल हैं क्या थोड़े से। यो यो हनी सिंह, मेरी मुंडी ऐसी हिलती रहती है बस। चलो ये मैंने कर दिया सब कुछ साफ, अब चलते हैं और अपना पार्सल उठाते हैं भाई यहाँ से। इसको खोलो, इसको खोलो, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, अभी पूरा सामान नहीं आया। इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो। मैंने बेडशीट वगैरह भी और मंगवा लिए, काम आ जाती है भाई, बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि वो लोग गंदा करके जाएंगे फिर मेरे को देना ही पड़ेगा दूसरा बेडशीट वगैरह उन्हें। अभी एक और कस्टमर आ गया यहाँ, चलो भाई इस रूम के अंदर अभी दूसरा बेड आ गया इस रूम के लिए। मैं जो है दूसरा बेड भी लगवा देता हूँ क्योंकि ना मेरे को इसको डबल बेड बनवाना ही पड़ेगा। इसको मैं इस कोने में रख देता हूँ, इसको निकालते हैं और इसको थोड़ा सा यहाँ पे लगा देता हूँ, ठीक है। अभी मुझे देखने दो दूसरा बेड, ठीक है इसको करते हैं प्लेस। ये हो गया अपना डबल बेडरूम भाई, इसको लो बेडशीट बिछाओ, ठीक है, और इसके बाद एक ब्लैंकेट बिछा दो और ये काम डन हो गया अपना। अच्छा नहीं, एक पिलो भी तो लेना पड़ेगा मेरे को, पिलो 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 पिलो, ये रहा पिलो को रखते हैं यहाँ पे। और अभी काम अपना डन हो गया है, ये बन गया है डबल बेडरूम, इसको कर देते हैं बंद एंड लेट्स गो भाई। पेशेंस इसका लेवल कम हो रहा है, ला भाई बता क्या चाहिए। वन बेडरूम 24 आवर्स के लिए, वेट अ मिनट, दूसरे को आने देते हैं भाई। तू डबल बेडरूम ले ले, जितनी देर के लेना है ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई हेलो, अच्छा चेकआउट के लिए आइए, वन बेडरूम 72 आवर्स के लिए चेकआउट के लिए आइए, लेट्स गो भाई। रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, इसने गंदगी फैलाई होगी। अरे यार यहाँ कौन फैला के जा रहा है इतनी गंदगी। रुक जा रुक जा, दोनों कमरे आज ही उठवा दूंगा मैं, जिससे थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। वो इसने ज्यादा कचरा नहीं फैलाया यार, अच्छी थी, अच्छे जनों को रखो तो कचरा ज्यादा नहीं फैलाते, ये तो पहुंचे पहुंचे से क्लियर हो जाती है चीजें। और ये भी उठाओ, ठीक है ये उठाओ यहाँ रखो, ये उठाओ यहाँ रखो। और अब मुझे जाना है, बेड शीट चाहिए दो, को यहाँ रखो बेड शीट, ब्लैंकेट रखो एक यहाँ, बेड शीट एक और चाहिए, ब्लैंकेट एक और चाहिए, ठीक है चलो अभी काम हो जाएगा। इसको रखते हैं यहाँ पे, इसको रखते हैं यहाँ, तो यहाँ इसको उठाओ, इसको यहाँ रखो, इसको यहाँ रखो, इसको और इसको। अरे रुक जाओ दीदी आ रहा हूँ, टेकिंग टू लॉन्ग, तो समझ गया मैं। चलो कचरा बाहर निकालो, और यहाँ पे टॉयलेट पेपर नहीं है, टॉयलेट पेपर लगा दिया। और भाई हर एक साबुन, हर कोई साबुन की बाटली मार जाता है, कोई बात है ये यहाँ रख दो, ठीक है क्यों डन हियर, आ रहा हूँ मैं। अच्छा ये चली गई दीदी, हेलो सर आप बताइए। वन बेडरूम 12 आवर्स के लिए, वेट अ मिनट, यहाँ देखा हूँ सब कुछ रेडी है ना, ये जो है कांच यहाँ लगा देता हूँ, ये रेडी है, ये रेडी है, टॉवल रेडी है। ओके इसमें टॉवल दो रखने पड़ेंगे मेरे को, रुक जाओ टॉवल प्लेस करते हैं एक और यहाँ पे। इसके बाद जो है इसके अंदर भी तो टॉवल खराब हुआ था, टॉवल खराब, ओके ये रहा टॉवल खराब रखा है इसके अंदर, ये वाला टॉवल रख देते हैं यहाँ। और टॉवल मेरे पुराने वाले धुल गए होंगे, टॉवल भी लेके आने पड़ेंगे मेरे को, लो ये टॉवल लाओ। इसके बाद अरे तू यहाँ क्यों खड़ा, अरे सॉरी बड़ी सॉरी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, टॉवल धुल गए ना मेरे पहले के, लाओ लाओ ये सब दो, अरे दो ना। अच्छा ये ठीक है, इसको यहाँ रख देता हूँ मैं, इसको यहाँ रख देता हूँ, लाओ एक टॉवल चाहिए, इस टॉवल को लेके चलते हैं फटाफट। और भाई आ जाओ कस्टमर आ जाओ, एक कस्टमर आया, ये कौन सा, इसको अच्छा वेट अ मिनट करा था, लेकिन यार इसको नहीं देना, सिंगल बेड ले रहा है ये। अच्छा यहाँ पे रखा हुआ है ये, भाई कितना झंझट है देख रहे हो तुम, होटल संभालना ऐसी छोटा मोटा काम समझते हो क्या। लो मैंने रख दिया, अभी सब कुछ डन है मेरे यहाँ तक। और कोई कस्टमर आया क्या, नहीं आ रहा भाई कोई कस्टमर। ये वन बेडरूम लेना चाह रहा है भाई, नहीं है सॉरी नो रूम अवेलेबल, दोनों डबल बेडरूम वालों को दूंगा, जिससे कि भाई पैसा तो ज्यादा है। बाकी भाई आज के लिए बस इतना ही, आज अपन ने सेकंड रूम भी रेडी कर दिया है, कल के दिन मैं दोनों रूम उठाने वाला हूँ, और वो भी जो दो दो दिन के लिए लेंगे ना, क्योंकि वो पैसा ज्यादा देंगे भाई। ये जो सिंगल बेडरूम वालों को देता हूँ वो सिंगल बेडरूम के हिसाब से पैसा देते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना ही, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।